अगेन वेलकम करते हैं uh, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग पैरग्रम जेंट्स वॉल्टियर कोप की जानब से ऑर्गेनाइज की जा रही है जिसे मिस्टर रहीम जुल्फ़ार अली सी ई एंड फाउंडर एक्सल बेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं इससे पहले कि हम इस सेशन नंबर टू का बाकायदा आगाज़ करें चंद हाउस कीपिंग अनाउंसमेंट को मैं जो है वो रिपीट करना चाहूँगा uh, जैसा कि आपको मालूम है कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हर संडे एवरी संडे को रात आठ बजे से दस बजे तक जो है वो इसी जूम के आई डी पर कंडक्ट की जाती है इस ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो एट वीक्स है तो आज हमारा वीक नंबर टू होगा हम फर्स्ट फोर वीक्स के अंदर बेसिक टू इंटरमीडिएट एक्सेल और लास्ट फोर वीक्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल के हवाले से अपने स्किल सेट को इन्हांस करने की कोशिश करेंगे इस कोर्स के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दी गई है जिन्होंने अब तक गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है या कोई डिफिकल्टी पेश आ रही है तो आप चैट बॉक्स पर को होस्ट जिसमें मैं जैन हुसैनी मोइज हमानी या वकास मसूद को इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर सेशन के दौरान आपको कोई भी सवाल पूछने हो तो आप होस्ट को या को होस्ट को चैट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं या तो इस सेशन के एंड पर या फिर नेक्स्ट क्लास के बिगनिंग पर हमारे ट्रेनर उनको एड्रेस या रिस्पॉन्ड करेंगे और हमारे जो है वो ट्रेनर ने आपके लिए गूगल क्लासरूम अंदर भी ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप सवाल जो है वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को मुकम्मल करने के बाद पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट दी जाएगी और इसका जो क्राइटेरिया है वो हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे आपको इन्फॉर्म कर दिया है जस्ट फॉर क्विक रिकैप आपको पता है कि इसके लिए जो है वो एटी परसेंट अटेंडेंस ज़रूरी होनी जरूरी है और हर वीक के अंदर एवरी ट्यूजडे को हमारे जो ट्रेनर हैं वो uh, आपके लिए असाइनमेंट जो है वो पोस्ट करते हैं तो आपको जो है वो डेडलाइन के ऊपर जो है वो गूगल क्लासरूम के अंदर सबमिट करना होगा इन तमाम सेशंस की जो है वो रिकॉर्डिंग गूगल क्लास में अवेलेबल है लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग अब जो है वो अवेलेबल है और उनका लिंक भी हमने आपको व्हाट्सअप कर दिया है तो जिन्होंने भी जो है वो इन सेशनस को मिस किया है या वो दोबारा रेफ़र करना चाहते हैं तो आप उन रिकॉर्डिंग को जो है वो देख सकते हैं हम उम्मीद करते हैं कि ये रिकॉर्डिंग को आप आगे स्प्रेड नहीं करेंगे और हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम पार्टिसिपेंट वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखते हुए सेशन से 15 मिनट्स पहले जो है वो ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर आप एक से ज़्यादा स्क्रीन जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्टिसिपेंट अपने आप को रीनेम कर लें या फिर को होस्ट को जो है वो चैट बॉक्स में इंफॉर्म कर दें अगर आपको रीनेम करने में डिफ़िकल्टी हो रही तो आपके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आप जो है वो अपने जूम uh, के ही uh, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जैसे पार्टिसिपेंट का एक ऑप्शन है अगर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके नेम के सामने यहाँ पर मोर का ऑप्शन आ रहा है आप जब वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर री का ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज़ आप जो है वो अपने रियल नेम या अगर एक से ज़ाहिर लोग मौजूद हैं तो प्लीज़ आप अपने आप को जो है वो सही नेम के साथ आ जाएं क्योंकि जूम जो है वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट करता है तो हम उसी के लिहाज से आपकी अटेंडेंस मार्क करेंगे तो बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि आईफोन के नाम से आ रहे हैं या जो है वो किसी और नाम से आ रहा है अगर आप जो है वो अपने अपने नेम को करेक्ट कर लें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप पार्टिसिपेंट के लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपके नेम के सामने अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मोर का ऑप्शन आ रहा है और वहाँ पर री का ऑप्शन है तो प्लीज़ आप जो है वो अपने सही नेम के साथ जो है वो लॉग कर लें सो आई थिंक डेट्स इट ओवर टू यू रहीम सर विश यू गुड लक थैंक यू सो मच जैन सबको ये मदद और आई होप कि मेरी वॉइस ऑडिबल है तमाम लोग सुन सकते हैं और uh, जो स्क्रीन है एक्सेल की वो भी सब देख सकते हैं जैसा कि लास्ट क्लास में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसमें से जो बहुत इम्पॉटेंट एक इंस्ट्रक्शन था वो ये था कि जो लोग सेल फोन को इस वक्त यूज़ कर रहे हैं रेकमेंड uh, ये किया जाएगा कि ऑल दो इट्स अ सेकेंड क्लास बट

डू इट प्रैक्टिकली साइड बाई साइड बिकॉज नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको टाइम एलोकेट करेंगे एंड वी विल गिव यू सम सिटेशन एंड सनारी आपको सॉल्व करना होगा उसको और आपको वो आंसर्स चैट विंडो में लिखने होंगे सो बाय द टाइम बिकॉज इट्स अ सेकेंड क्लास सो जितने लोग सेल फोन से कनेक्ट हैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अगेन के फ्राम नेक्स्ट क्लास काइंडली मेक श्योर दैट यू लॉग इन फ्राम योर laptop or any other machine uh, pc desktop pc take last class miss so it's said by zain that uh, we have already shared that video link and if you have any kind of trouble so uh, you can message them on whatsapp take okay. uh, try to follow the deadlines of the assignments because every assignment has some points and at the end of the session there will be an average marks, and you will be required 70 in terms of attendance, in terms of uh, class participation, in terms of uh, assignments, and your response. So, overall, we will look at all the things. Okay. 70% minimum you will require to have that certificate. Iskelawa. Uh, आपको क्लास बाय क्लास फाइल्स दी जा रही हैं रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि गूगल क्लासरूम पर वो टाइम बाय टाइम पोस्ट हो जाती हैं चीज़ें तो जितने लोग गूगल क्लासरूम पर नहीं हैं अगेन आई वुड रिक्वेस्ट जो मैनेजमेंट हैं जिसमें जैन हैं वकास हैं अली हैं तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करें एंड ट्राई टू जॉइन गूगल क्लास बिकॉज ऑन व्हाट्सएप देर आर नाव टूडे आई कैन सी वन पीपल whereas on the google classroom i can only see 57 people so there is a lot of difference in numbers with respect to whatsapp and google classroom and also the uh, quiz you attend log, uski bhi in in 40s. Ha. Hai? so make sure uh, because now we are in in much more uh, to the routine level so first class mein to definitely cheese and to tapkotora times a rule but now you can have that Pace up to join the platforms and to follow the course accordingly. So I, I want your support and uh, now let's formally begin the session. So today we will talk one of them uh, we have already seen in the previous class that is related to the pivot table. Okay, and I will add more things to it, which is up to the basic to intermediate level. दैन वी विल मूव टूवर्ड्स द फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस अप्रोच और आज की क्लास में हम टेक्स्ट के मुख्तलिफ पंद्रह फंक्शंस को पढ़ेंगे फ्राम द वेरी बेसिक एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स दॉजिकल फंक्शंस विच इंक्लूड्स दफ ने ठीक है तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेवेट टेबल के टॉपिक्स और इसमें कुछ टेक्निक्स आपको बता देता हूँ ठीक है सो लास्ट क्लास वाली ही फाइल हम यहाँ पर जो है वो फॉलो करेंगे सो देर इज़ नो न्यू फाइल फॉर द क्लास टू वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग दैट पर्टिकुलर फाइल और वर्क बुक तो लास्ट जैसे डेटा बेस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वी वी शुड हैव द एडजस्टेंट डेटा बेस इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पिविड नॉन एडजस्टेंट डेटा बेस में क्योंकि गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं बिटवीन द डेटा तो वो नॉन एडजस्टेंट में पिविट्स नहीं बनते हैं. so once you have that uh, adjacent data you select that data and then you go to insert tab and you are required to click on pivot table take pivot table pe click karte hai, okay press karte hai, aur, and you get the uh, pivot table blank sheet so though do... साइड्स होती हैं एक लेफ्ट साइड एक राइट right साइड और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से आप फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत आसानी से और बहुत जल्दी विदाउट एनी फार्मूला एक समराइज रिपोर्ट को क्रिएट कर लेते हैं ठीक है तो आपका डेटा जितना ज़्यादा अप होगा ठीक है उसमें एरर्स कम होंगे उसमें ब्लैंक वैल्यूज़ कम होंगी जो कॉलम के फॉर्मेट्स होते हैं जैसे डेट एंड टाइम है ठीक है ना जी एल कोड्स हैं अकाउंट कोड्स हैं एम्प्लॉय नंबर्स हैं इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट के नाम हो गए बैलेंसेज हो गए ठीक है फाइनेंशियल भी हो सकते हैं नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं तो जब आपका डेटा बिल्कुल क्लीन होता है ठीक है जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो आपके पास प्रवेट में एक अच्छी रिपोर्ट बन सकती है बहुत कम टाइम के अंदर लेकिन एक और भी चीज़ है एज अ एडवांस स्मार्ट एक्सेल यूज़र हमें ये भी देखना चाहिए कि जब हमारे पास एक डेटा आता है तो क्या कोई उसमें कोई एरर तो नहीं है ठीक है हम थोड़ा सा उसको एज एन ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें बिल्कुल ब्लाइंड रिलाई नहीं करना चाहिए ठीक है जो डेटा हमारे पास जिस फ्लो से आता है चाहे वो किसी ईआरपी सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट हुआ हो या चाहे हमने एक्सेल की एप्लीकेशन Uh, किसी सर्वर के साथ कनेक्ट की हो रियल टाइम बेसिस पे ठीक है तो चेक करना बड़ा ज़रूरी है जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं आपको अभी uh, मेरी स्क्रीन पे जो डेटा नज़र आ रहा है आप यही कहेंगे कि ये डेटा बिल्कुल ठीक है सही है और इसमें हमें डिफरेंट कॉलम टाइप्स नज़र आ रही हैं ठीक है और टोटल हम देखें तो 578 सेवेंटी एट रॉज हैं और कौन कौन से कॉलम है इसमें कस्टमर है प्रोडक्ट्स है सेल्स पर्सन है रीजन ऑर्डर डेट्स और फिर टाइम uh, हैं इसमें जैसे ईयर मंथ क्वार्टर और चैनल पार्टनर्स अगर मैं इसको स्टडी ना करूं और मैं डायरेक्टली एनालिटिकल पॉइंट पर आ जाऊं और मैं पिविट्स ड्रा करना स्टार्ट करूं, तो क्योंकि मैंने प्री एनालिसिस नहीं की अपने डेटा की करेक्शन हो सकती है कि इसमें हो तो उसको अगर मैं इग्नोर करूंगा तो मैं आगे गलत नंबर रिपोर्ट करूंगा, ठीक है अब मैं आपको इसमें मिस्टेक बताता हूँ कि इसमें मिस्टेक हुई क्या है सो लेट से कि अगर आपके पास ऑर्डर डेट्स का जो कॉलम आपको यहाँ नजर आ रहा है ठीक है इसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म की डेट्स हैं सही है तो अगर ये जो सबसे पहली डेट मौजूद है फोर स्लैश थर्टीन स्लैश टू थाउजेंड तो आपको ये चीज आइडिया होगी एज एन बेसिक एक्सेल यूजर के फोर्थ स्लैश वाले डेट के फॉर्मेट में सबसे पहले मंथ होता है और डे सेंटर में होता है और सबसे लास्ट में ईयर होता है ठीक है तो इसमें जो फोर्थ मंथ है ठीक है? अगर मैं इसी के बराबर वाले कॉलम पे जाता हूँ जहां पे मंथ का एक और सेपरेट कॉलम है वहां जनवरी लिखा हुआ है। Original order जब आया था कस्टमर की तरफ से तो वो अप्रैल थर्टीन को आया था लेकिन जब हम इसके टाइमलाइन सेपरेट वो बनाए कॉलम्स तो उसमें देखें एक मिस्टेक आपको नजर आ रही है कि किसी ने यहाँ जनवरी लिखा हुआ है और अप्रैल जो है वो सेकेंड क्वार्टर होता है फर्स्ट क्वार्टर तो नहीं होता लेकिन क्वार्टर के अंदर क्यू वन लिखा हुआ है ठीक है तो ये इस तरह की अब क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है ठीक है तो इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स मैंने इंटेंशनली इसलिए करके रखी हैं ताकि आप लोग हमेशा जब भी डेटा सेट आपके पास आएगा तो आपको ये देखना है कि बाकी जो सपोर्टिंग कॉलम्स है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है ठीक है और हम ये कोशिश करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ठीक है तो हम ब्लाइंडली रिलाई नहीं करते हैं तो बहरहाल अभी तो मैंने मिस्टेक आपको बता दी कि इसमें क्या मिस्टेक थी कि ऑर्डर डेट्स जो ओरिजिनली हैं उससे रिगार्डिंग ये जो मंथ और क्वार्टर का कॉलम है वो ठीक नहीं है सही है तो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे कि हम इस तरह के कॉलम्स पर रिलाई नहीं करेंगे बल्कि हम फार्मूला अप्रोच सीखेंगे उसमें से हम खुद ही मंथ क्वार्टर और ईयर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ठीक है अच्छा जी अब मैंने सो so फार इस डेटा से रिलेटेड एक पेवेट ब्लैंक पेवट टेबल बनाया है और लास्ट क्लास के अंदर क्लास वन में हमने स्लाइसर के ऑप्शन को भी देखा था जो कि एक विजुअल डिस्प्ले होता है इसके अलावा हमने एक छोटा सा विजुअल भी बनाया था दैट वॉज कॉलम चार्ट और जब भी हम उस स्लाइसर पर क्लिक करते थे तो पेविट टेबल में डेटा भी चेंज हो रहा होता था और वो विजुअलाइजेशन भी चेंज हो रही होती थी ठीक है आज हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बात करते हैं और एक और अच्छी और एडवांस लेवल की टेक्निक सीखने की कोशिश करते हैं तो so, मैं एक इनिशियली बहुत सिंपल सा पेविट टेबल आपके सामने ड्रॉ करता हूँ प्रोडक्ट्स को मैं ड्रैग करता हूँ रॉस पर और सेल्स यूएसडी को मैं ड्रैग करता हूँ वैल्यूज पर ठीक है तो मेरे पास हर प्रोडक्ट की टोटल सेल्स मुझे पता चल रही हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द इयर्स ठीक है uh, तमाम सालों की सेल्स तो ये तो बहुत ही सिंपल सा पेविट था अब हमने ये भी सीखा था कि अगर मुझे पर्टिकुलर किसी एक साल की सेल्स को देखना हो तो या तो मैं उस ईयर वाली फील्ड को ड्रैग करके फिल्टर्स पे रखूँ और फिर मैं इस ड्रॉपडाउन मेन्यू से किसी एक स्पेसिफिक ईयर को सेलेक्ट कर लूँ तो वो नंबर्स फिल्टर हो जाएंगे और फिर हमने इसका ऑल्टरनेटिव ये देखा कि हम एनालाइज़ के टैब में जाकर स्लाइसर को इंसर्ट कर सकते हैं जिससे एक विजुअल डिस्प्ले क्रिएट हो जाता है ठीक है और किसी भी ईयर पे क्लिक करने से वो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं साथ ही साथ अगर आपको एक साल से ज्यादा सालों को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल की की प्रेस करते हैं और ऑन इज पे क्लिक करते हैं तो नंबर अपडेट हो जाते हैं फिर मैं एक और विजुअल भी ऐड कर देता हूं आप लोगों के लिए जो हमने लास्ट टाइम भी किया था पेविट चार्ट यानी एक डिफॉल्ट चार्ट को हमने इंसर्ट किया था दैट वाज कॉलम चार्ट ठीक है तो यहां तक तो हमने पढ़ा था अब हम एक स्टेप आगे की बात करते हैं अब मैं आपको एक छोटा सा डैशबोर्ड क्रिएट करना सिखाता हूं और वो डैशबोर्ड कुछ इस तरह से है जिसमें एक भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा और इंटायरली स्क्रीन के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो इट विल लुक लाइक अ डैशबोर्ड ठीक है अब ये हम आगे बढ़ते हैं ये जो एग्जिस्टिंग पिवट टेबल हमारी स्क्रीन पर हमारी स्प्रेडशीट पर मौजूद है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ फॉर कॉपी इस पेवेट टेबल को कॉपी करने के बाद फर्दर स्प्रेडशीट के कुछ कॉलम्स आगे जाकर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से तो ये तो बड़ा सिंपल सा स्टेप था मैंने एक एग्जिस्टिंग पेविट को सेलेक्ट किया उसको कॉपी किया और फिर उसको पेस्ट कर दिया ठीक है जी अब इस सेकेंड पेवेट टेबल के लेआउट को थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि दोनों सेम पेवेट हो जाएंगे तो फ़ायदा नहीं है एक ही स्क्रीन पे दो सेम पेवेट्स को रखना तो हम प्रोडक्ट्स को हटा देते हैं और लेट सपोज हम रीजन को इस मरतबा ऐड करते हैं इस पेवेट टेबल में तो अब हम एक ही स्क्रीन के ऊपर दो डिफरेंट तरीके से नंबर्स को एनालाइज कर रहे हैं एक प्रोडक्ट वाइज और एक रीजन वाइज ठीक है जी अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि ये रीजन भी डेफिनेटली तमाम ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर मुझे कोई स्पेसिफ़िक महीना सेलेक्ट करना हो तो अगेन मुझे फ़िल्टर्स को इस्तेमाल करना होगा तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं फ़िल्टर्स को इस्तेमाल ना करूँ मैं एक स्लाइसर इंसर्ट कर लूँ तो मंथ की फील्ड जो है ना ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है मैं इस पर चेक मार्क लगाता हूँ और ओके okay कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ मंथ की एक लिस्ट आ जाती है ठीक है अच्छा इस मंथ की लिस्ट को जो है ना आप आ, आ, कम भी कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं यानी इसका जो साइज़ है इस ऑब्जेक्ट का इसको आप फर्दर कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ जब स्लाइसर पे आप क्लिक करके रखते हैं जब ये एक्टिव होता है तो ऊपर आपको एक्सेल में स्लाइसर का एक टैब नज़र आएगा ठीक है आप में से वो लोग जो पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल दो तो उसमें ऊपर लिखा हुआ होगा ऑप्शन लेकिन अगर आप सब्सक्राइब वर्जन यूज़ करते हैं तो फिर यहाँ ऊपर टॉप पर बिल्कुल राइट साइड पर स्लाइसर लिखा हुआ है अब इस स्लाइसर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कॉलम्स में आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वन लिखा हुआ है मैं इसके नंबर को जो है ना इंक्रीज कर देता हूँ ठीक है जैसे ही मैं इसके नंबर को इंक्रीज़ करूँगा आप देखें आपके पास ये मंथ की लिस्ट जो है वो तीन कॉलम्स में स्प्लिट हो जाती है ठीक है इसी तरह से अगर ईयर्स को भी आप कम करना चाहें इसकी स्पेस को तो आप कॉलम्स की तादाद को अगर बढ़ा देंगे तो इसकी स्पेस जो है वो सेव हो जाएगी ठीक है अच्छा अब क्या होता है कि ये जो सेकंड पेवर टेबल हमने बनाया है राइट right साइड पर इसके साथ हमने एक स्लाइसर अभी ऐड किया है मंथ का अब मैं किसी भी पर्टिकुलर मंथ पे जब क्लिक करता हूँ तो उस मंथ के नंबर्स फिल्टर हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रीजन वाइज जून देखना है तो जैसे मैं जून पे क्लिक करता हूँ तो रीजन वाइज जून के नंबर आ जाते हैं अगर मुझे दिसंबर देखना है तो मैं दिसंबर पे क्लिक करता हूं, तो मेरे पास रीजन वाइज दिसंबर आ जाते हैं ठीक है मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं इस रीजन वाइज पेवेट टेबल का एक चार्ट भी इंसर्ट कर लू जो बड़ा आसान है एनालाइज के टैब है पेवेट चार्ट और इस मरतबा मैं एक कॉलम चार्ट इंसर्ट कर लेता हूँ ठीक है तो अब ज़रा देखिएगा इसकी इंटरेक्टिविटी कैसे हो रही है आपस में इन ऑब्जेक्ट्स की कि जब आप किसी भी महीने पर क्लिक करते हैं उसके पेवेट टेबल के नंबर्स भी चेंज हो जाते हैं और उसकी विजुअलाइजेशन भी चेंज हो जाती है ठीक है और अगर आप लेफ्ट साइड पर आ जाए तो लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास एक पिविट टेबल मौजूद है जिसमें प्रोडक्ट वाइज एयर का स्लाइसर मौजूद है और उसकी विजुअलाइजेशन है अब जरा गौर कीजिएगा इसमें देखें इसमें एक आपको बड़ा मेजर चेंज नजर आएगा जैसे ही मैं किसी ईयर के स्लाइसर पे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं कि आपके दोनों के दोनों pivot टेबल्स जो स्प्रेडशीट पर है वो भी चेंज हो रहा है दोनों चार्ट्स भी चेंज हो रहे हैं अब ये कैसे हो गया अ इसका कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी आप डेटा को सेलेक्ट करके पेवट टेबल बनाते हो तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक बात कही थी कि पेवट टेबल फाइल का साइज़ है ना इंक्रीज़ कर देता है तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी फाइल का साइज़ 10 एम का है और आप पेवट्स बना रहे हो तो वो शायद थर्टीन एम बी फोर्टीन एम बी की फाइल साइज़ हो जाएगी अच्छा ये साइज़ क्यों इंक्रीज होता है क्योंकि पिविट टेबल की अपनी एक मेमोरी कैशी होती है ठीक है तो वो क्या करता है डेटा बेस का रेप्लिका का बना लेता है और उसकी अपनी एक मेमोरी होती है जिसकी वजह से एक्सेल की फाइल का साइज इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर पेविट टेबल जो पहला पिविट टेबल है हमने उसी को कॉपी किया था और सेकेंड पेविट टेबल बनाया था यानी जो मेमोरी इस पिविट टेबल वन की थी

मैशअप किया जाता है रियल टाइम बिजनेस पे तो वहां सिस्टम्स के ऊपर जितने पेविट्स बनते हैं ना उसमें डेटा का साइज इंक्रीज नहीं होता तो वो फैसिलिटी जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स में है लेकिन ट्रेडिशनल एक्सेल में नहीं है ट्रेडिशनल एक्सेल के अंदर मसला ये है कि नॉर्मल जो पेविट होता है पावर पेविट की हम बात नहीं कर रहे हम नॉर्मल पेविट की बात कर रहे हैं उसकी मेमोरी है ना बढ़ती चली जाती है और फिर जो उसका साइज है ना बढ़ता चला जाता है ठीक है अब जब पहला पेवेट टेबल हमने कॉपी किया और सेकेंड पेवेट टेबल बनाया तो जो सेटिंग इसकी थी स्लाइसर पे वो अप्लाई हो चुकी है दूसरे पे भी इसीलिए जब भी हम किसी ईयर पे क्लिक करते हैं तो पहला पेवेट भी चेंज हो रहा है दूसरा पेवेट भी चेंज हो रहा है इसका मतलब कनेक्शन दोनों पेवेट पे बैक एंड पे बना हुआ है और ये मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बना हुआ है लेकिन एक बात पे गौर करें कि ये जो सेकेंड पेवेट टेबल है रीजन वाइज इससे रिलेटेड जो स्लाइसर है मंथ का जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो पहला पोर्शन चेंज नहीं होता हम जब भी किसी महीने पे क्लिक करते हैं तो मेरा सिर्फ रीजन वाइज पिवट चेंज होता है दूसरा पिवट तो चेंज होता नहीं है तो हमें क्या करना है हमें इस तरह से इन दोनों पिवट्स को आपस में जॉइन करना है कि जब हम स्लाइसर्स का इस्तेमाल करें चाहे पहले पिवट का स्लाइसर हो चाहे दूसरे पिवट का स्लाइसर हो इन तमाम ऑब्जेक्ट्स की इंटरक्टिविटी आपस में बन जाए और ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये एक डैशबोर्ड बन जाएगा ठीक है और हम इसको बड़े अंदाज से और एंगल से देख सकेंगे अब दो सेक्शंस के दरमियान में दोनों ऑब्जेक्ट्स को यानी दोनों के दोनों चार्ट्स को और आपस में पिवट्स को कम्बाइन करने के लिए क्या किया जाता है तो जरा उस पर गौर कीजिएगा ये जो पहला पिवट बना हुआ है प्रोडक्ट वाइज उससे रिलेटेड जो हमने एक स्लाइसर बनाया था ईयर का एक बात याद रखिएगा जब आप कनेक्शन बनाएंगे बिटवीन मोर देन टू टेबल्स तो स्लाइसर जरूरी है क्योंकि कनेक्शन का जो ऑप्शन होता है वो स्लाइसर में ही होता है ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा मैं इस ईयर वाले स्लाइसर पे करूँगा राइट क्लिक ठीक है जब आप राइट right क्लिक करोगे तो आपको एक कॉन्टेक्शल मेन्यू नज़र आएगा क्योंकि मैं लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट कनेक्शन अगर आप कोई पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो वहां पर लिखा हुआ होगा पिबिट टेबल कनेक्शन ठीक है तो अगर आप लेटेस्ट कर रहे हैं तो रिपोर्ट कनेक्शन है मेक uh, श्योर sure के 2007 के अंदर ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है ये जो फीचर मैं आपको सिखा रहा हूँ दैट इज अवेलेबल इन 2010 एंड अब वर्जन सही है तो मैंने राइट right क्लिक किया स्लाइसर पे और मैं जाता हूँ रिपोर्ट कनेक्शन पे ठीक है जैसे ही मैं रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ देखें आपके सामने एक विंडो आ गई और इस विंडो में क्या लिखा हुआ है pivot table one, pivot table two, और ये लिखा हुआ है कि ये दोनों पेविट टेबल शीट वन में मौजूद है और दोनों पे चेक लगा हुआ है है ना तो दोनों पेव टेबल यानी इस स्लाइसर के बैक एंड पे कनेक्शन के अंदर दोनों पे चेक लगे होने की वजह से जब हम स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो दोनों पेवेट्स में चेंजेस आते हैं अब हम आते हैं दूसरी साइड पे जो राइट right साइड पे हमारे पास स्लाइसर मौजूद है इसमें पहले में चेंजेस नहीं आ रहे, इसका मतलब कनेक्शन यहाँ दूसरी साइड पे नहीं बना हुआ तो दूसरी साइड पे कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे इस स्लाइसर पे राइट right क्लिक करेंगे इस कॉन्टेक्शल मेन्यू में अगेन सेम ऑप्शन की तरफ जाएंगे रिपोर्ट कनेक्शंस। और अब आप यहाँ देखिएगा टेबल लिखा हुआ है टेबल लिखा हुआ है लेकिन पिविट टेबल टू पे चेक लगा हुआ है टेबल पे चेक नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि हमें पिव टेबल वन पे चेक लगाना है और ओके okay कर देना है अब आप जरा देखिएगा क्या डिफरेंस है जैसे ही मैं किसी मंथ पे क्लिक करता हूँ तो अब आपके दोनों पेविट दोनों चार्ट आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और वो फिल्टर हो रहे हैं तो ये छोटा सा मिनी डैशबोर्ड बन गया है इसमें जो चीज़ इस वक्त लैकिंग कर रही है वो फॉर्मेटिंग है डेफिनेटली आप तमाम लोग किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं तो जब आप रियल टाइम बेसिस पे इस तरह की टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कलर्स को भी इस्तेमाल करेंगे लेआउट्स भी देखेंगे फिर आप प्रिंट की सेटिंग्स भी सही करेंगे कि मुझे प्रिंट आउट लैंडस्केप पे निकालना है या पोर्ट्रेट पे निकालना है ठीक है तो अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से रखा है लेकिन जो चीज़ आपको सिखानी थी वो दो सेक्शंस के दरमियान में इंटरक्टिविटी सिखानी थी कि जब हम अब हमसे कोई भी किसी तरह की भी रिपोर्ट uh, पूछता है फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाता है कि 2013 के थर्ड क्वार्टर की पोजीशन बताओ ठीक है सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लिक ऑन और फिर सेकेंड स्लाइसर में मैं थर्ड क्वार्टर को सेलेक्ट कर लूंगा दैट इज जुलाई ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर तो बगैर किसी फॉर्मूला के बगैर किसी कोई टेक्निकल चीज के अगर मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है तो मैं स्लाइसर्स पेवेट्स और चार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इस तरह की इंटरक्टिव रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को दे सकता हूँ हाँ जो टाइम आपका कंज्यूम होगा वो फॉर्मेटिंग का होगा जो मैंने आपको बता दिया और आने वाली क्लासेस में हम फॉर्मेटिंग और विजुअलाइजेशन के रूल्स को भी देखेंगे एडवांस के अंदर बट बिकॉज दिस इज बेसिक टू इंटरमीडिएट फर्स्ट फोर वीक्स सो आई होप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को जरूर एडोप्ट कर लिया कि दो मुख्तलि पेविट्स और दो स्लाइसर के दरमियान में कनेक्शन बनाने से आपके सारे ऑब्जेक्ट्स इन लाइन हो जाते हैं और एक बहुत ही अच्छा सा डैशबोर्ड बन जाता है और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक पेविट के साथ एक ही स्लाइसर को ऐड करें आप एक से ज्यादा स्लाइसर्स को भी अपनी रिपोर्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं ठीक है तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चैट विंडो में अपना रिस्पॉन्स दे दें और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं ठीक है जी थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक और आई होप कि ये फीचर आपको पसंद आया होगा कि रिपोर्ट कनेक्शंस और कुछ पविट्स और स्लाइसर्स और चार्ट को फॉर्मेट करके आप एक अच्छा सा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बड़ी आसानी से क्रिएट uh, कर सकते हैं ठीक है जी uh, इसी से रिलेटेड इनशाला आपको एक असाइनमेंट भी मिल जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है और uh, हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ ओके okay, जी तो सेकेंड जो टॉपिक है आज की क्लास का हमारे पास वो है फिफ्टीन डिफरेंट टैक्स फंक्शंस जो कि डेटा बेस को डे इन डे आउट अप करने के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है जी तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके पास डेटा जो है वो बिल्कुल क्लीन होके आएगा डेटा जो है वो हो सकता है कि आपके पास uh, अनक्लीन होगा अननेसेसरी डेटा होगा जो आपके काम का नहीं होता तो आप या तो उसको डिलीट करते हैं या फिर आपके पास कोई ऐसा कॉलम है जिसका फॉर्मेट सही नहीं है तो आप उसको फंक्शन uh, के थ्रू फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं और जैसा कि आपको पता है uh, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू आर बिलोंग टू द कापरेट तो कॉपरेट के अंदर हमारे पास uh, uh, मैं अगर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँ तो Uh, हमने एक रिसर्च की थी बैक uh, इन 2012 तो 2012 के अंदर हमने रिसर्च की और वो रिसर्च तकरीबन 2017 18 के अंदर आके वो प्रूव हो गई और 2020 के अंदर उस उस कॉन्सेप्ट uh, को जो लोग नहीं समझ रहे थे तो अब वो तेज़ी uh, से जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं एंड वो मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग से रिसर्च थी क्या uh, पहले तो हमने सर्वे किया एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो एक्सेल इस्तेमाल करते हैं और हमने उनसे पूछा कि आप एक्सेल में किन-किन टूल्स को जो है ना इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास बहुत ही مختلف किस्म के लोग थे अलग-अलग इंडस्ट्री के उन्होंने अपना इनपुट दिया और फिर हमने जो जब उसको कंक्लूड किया बेसिकली तो हमने यह पता किया कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नहीं बल्कि दुनिया भर में हमें 2018 के बाद और 2022 तक दो तरह के एक्सेल के यूजर नजर आएंगे और वो नजर भी आते हैं आप लोग कॉपोरेट में हैं अगर आप में से कोई जॉब करता है तो आप इस बात पे एग्री करेंगे कि 2018 के बाद से लेकर और 2022 तक ये ऐसा टाइम पीरियड है ये इतना क्रूशल टाइम पीरियड है कि अगर आपने अपने आप को इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो इसके बाद भी आप कर सकते हैं लेकिन बहुत देर हो जाएगी ठीक है ना क्योंकि होंगे ट्वेंटीज में होंगे ठीक है तो हर एज ब्रैकेट के ऊपर टेक्नोलॉजी की एडोपन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है तो उस रिसर्च से हमने ये कंक्लूड किया था जो मैं इस समझता हूँ कि बहुत जरूरी है आज बताना कि दो तरह के एक्सेल के यूजर्स हैं इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर पहले वो हैं जो ट्रेडिशनल एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं यानी जो फीचर्स अवेलेबल हैं ट्रेडिशनल जैसे वी लुकअप को इस्तेमाल कर लिया कोई रिपोर्ट ऑलरेडी ऑफिस में बनी हुई है उसी को चला रहे हैं सालों साल से वही रिपोर्ट चला रहे हैं कोई चेंज नहीं कर रहे ठीक है ना जो बॉस ने उसको रिपोर्ट दी थी तो जब से वो जॉब पे आए हुए हैं उसी फॉर्मेट को लेकर चल रहे हैं बस उसमें डेट चेंज कर देते हैं अमाउंट चेंज कर देते हैं फॉर्म मतलब कोई इनोवेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं पुराने फॉर्मूले जो लगे हुए थे वही लगे हुए हैं नए फार्मूला और फंक्शन की तरफ नहीं आ रहे ठीक है तो हमें दो तरह के यूजर मिलते हैं जो पुराने काम को चला रहे हैं और कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो मॉडर्न एक्सेल को यानी बिजनेस इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा को क्लीन करने के लिए पावर क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं एनालटिक्स करने के लिए पावर पेवेट को इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना एक्सेल की एप्लीकेशन के अंदर सब्सक्राइब करके नए नए एडिंस को डाउनलोड करके अपना काम आसान करते हैं तो हमें बड़ा एक मेजर डिफरेंस नज़र आता है तो ये जो कोर्स है आपका पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइज करवाया है विद इन द कम्युनिटी ये बेसिकली ट्रेडिशनल एक्सेल की सीरीज है ठीक है क्योंकि स्टेप वन यही है तो सबसे पहले अगर आपको यही चीज़ नहीं पता होगी तो आप लेवल टू पे नहीं जा सकेंगे लेवल थ्री पे नहीं जा सकेंगे ठीक है तो इसीलिए ट्रेडिशनल एक्सेल को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे इसीलिए हम आपके ऊपर इतना एफर्ट कर रहे हैं कि अगर आप ट्रेडिशनल एक्सेल को समझ लें कम से कम टाइम में और इस ईयर की एंड तक तो आपके पास एक बड़ा अच्छा चांस है कि आप नेक्स्ट बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स को एक्सप्लोर करें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मार्केट में जो जॉब्स हैं और स्पेसिफिकली हमने इस कोर्स के अंदर फ्री लेंसिंग के डोमेन को जब ऐड किया है तो फ्री लेंसिंग के अंदर ट्रेडिशनल एक्सेल का काम इतना नहीं है जितना मॉडर्न एक्सेल का क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें ज़्यादा हंड्रेड प्लस डॉलर्स के असाइनमेंट्स हैं अगर आप वही डेटा एंट्री करोगे कि मुझे एक्सेल में डेटा एंट्री करनी है तो आप पाँच डॉलर दस डॉलर अर्न कर सकोगे दैट इज नॉट गुड ये स्मार्ट यूजर की स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए तो अगर आप वेल well क्वालिफाइड हो ठीक है आप वेल well क्वालिफाइड हो अगर आपने एम किया हुआ है अगर आपने बी किया हुआ है अगर आप अकाउंटेंट हैं ऑडिटर है ठीक है ना तो आपको डेटा एंट्री की तरफ नहीं जाना चाहिए आपको बिजनेस इंटेलिजेंस और एक्सेल के मॉडर्न टूल्स को अप्लाई करना चाहिए लेकिन स्टार्ट यहीं से होगा यानी जो एक्सप्लोरेशन है एप्लीकेशन की वो तो डेफिनेटली स्टेप वन से होगी ठीक है क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कोर्स के बाद लोग जो है वो बिल्कुल ही इनविजिबल हो जाते फॉलो अप नहीं रहता और वो अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस को ही ऑफिस में वही पुरानी फाइल्स को कैरी करता है विच इज नॉट गुड ऑटोमेशन और इनोवेशन की तरफ आपको आना पड़ेगा अदरवाइज आजकल की जो जॉब्स हैं डेटा एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट एंड इन इन एवरी फील्ड वी हैव द टेक्नोलॉजी नाउ सो सो यू आर टू गेट मोर पेस ठीक है जी तो ये बात बहुत जरूरी थी क्लास टू में लोगों को बताना तो आज मैंने सोचा कि ये बात अभी बता दी जाए सो आई होप कि आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडली सोचेंगे इस, इस बारे में ठीक है स्लाइसर का जो इस्तेमाल होता है वो विजुअल डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है जो डेटा को फिल्टर करने में काम आता है ठीक है तो ये एक सवाल था जो मैंने अभी को रीड किया अब हम आ जाते हैं कि टेक्स्ट फंक्शंस को जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा मैं वन बाय वन एक छोटी छोटी एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर आपके सामने रखूँगा उसको एक्सप्लेन करूँगा और uh, मैं ये भी बता दूँ कि जो असाइनमेंट इंटायरली बेस करेगा और जो नेक्स्ट वीक का जो असाइनमेंट होगा उसमें आपको एक एक्सेल की फाइल दी जाएगी आप उस एक्सेल की फाइल को डाउनलोड करोगे उसमें सिटेशन होंगी उस सिटन मैं आपको ये पंद्रह में से कोई दस बारह फंक्शंस को अप्लाई करके उसका सोल्यूशन बनाना होगा और वो फाइल आपको अपलोड करनी होगी और फिर आपको मार्क्स असाइन कर दिए जाएंगे ठीक है सो मेक श्योर आप में से जितने लोग भी इस वक्त प्रेजेंट हैं वो इन तमाम फंक्शंस को ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे ठीक है तो पहले स्टार्ट करते हैं इन शुरू के तीन फंक्शन से लेफ्ट राइट और मिड और मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सेल को अभी थोड़े स्टार्ट किया है उन्होंने और जो लोग एडवांस लेवल के लोग हैं या जो इंटरमीडिएट से थोड़ा सा अबव है इस क्लासरूम के अंदर उनके लिए मसला नहीं है उनके लिए मैं जो प्रैक्टिस फाइल्स हैं या जो भी रिसोर्स लर्निंग लिंक्स होंगे वो क्लास के बाद गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा तो वो अपनी लर्निंग को वहां से कंटिन्यू कर लेंगे लेकिन एक चीज़ मैंने कही थी जो टॉपिक मैं बेसिक में पढूंगा उसका कनेक्शन एडवांस क्लासेस में जरूर होगा तो मेक श्योर sure कि आप इन क्लासेस में प्रॉपर्ली इस पे गौर करें ध्यान दें ठीक है तो जनाब स्टार्ट करते हैं एक वर्ड में लिख रहा हूँ सेल में दैट इज पाकिस्तान ठीक है और मैं आपको तीन फंक्शंस शुरू के सिखा रहा हूँ दैट इज लेफ्ट राइट एंड मिड और तीनों को मैं इसी एग्जांपल में कोट करूंगा इसके बाद मैं एक छोटा सा अ चैलेंज भी क्रिएट करूंगा और मैं चैट विंडो में चाहूंगा कि आप लोग अपना रिस्पांस दें तो जितने लोग लैप लैपटॉप पे कर रहे हैं और सिस्टम पर बैठे हुए हैं सिस्टम पर मौजूद हैं तो उन वो कोशिश करें अटैम्प करना डेफिनेटली जो सेल फोन से देख रहे हैं जैसे मैंने कहा कि उनका रिस्पॉन्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट क्लास से ध्यान दीजिएगा वरना पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो अच्छा जी तो एग्जाम्पल है पाकिस्तान की और सबसे पहला जो फंक्शन है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज सो इक्वल्स टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन ठीक है और लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि जब भी आप किसी फंक्शन को लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो नीचे आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहा होता है जस्ट बिलो दिस सेल दिस इज कॉल्ड फंक्शन सेंटेक्स और इस फंक्शन सिंटेक्स के अंदर कुछ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ठीक है कुछ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं कुछ ऑप्शनल होते हैं ऑप्शनल को आप स्किप कर सकते हो ठीक है और उसकी बैक एंड पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है और इसी से मिलते जुलते रिलेटेड जिन लोगों ने कोईज़ को अटैम्प्ट किया है उनको पता होगा कि मैंने कोइज भी दिया था कोईज में भी पूछा था ठीक है तो मैं पहला फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू द लेफ्ट नेक्स्ट फंक्शन है मैं चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान के वर्ड में से शुरू में जो तीन कैरेक्टर्स हैं लेफ्ट साइड पे वो मेरे पास एक सेपरेट सेल में आ जाए तो मैं एक्सेल को कह रहा हूं कि भाई लेफ्ट साइड से D3 के सेल में से तीन कैरेक्टर्स मुझे निकाल के दे दो। और जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास पाकिस्तान के वर्ड में से लेफ्ट साइड से तीन कैरेक्टर्स मिल जाते हैं ठीक है आप थ्री की जगह फोर भी लिख सकते हो आप फोर की जगह फाइव भी लिख सकते हो करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है लेकिन लेट सपोज हम अगर इसके ऊपर भी बात करें कि ये क्योंकि ये ऑप्शनल है और आप इसको स्किप कर सकते हो ठीक है तो मैंने तो यहाँ पर ना थ्री लिखा ना फोर लिखा कुछ भी नहीं लिखा छोड़ दिया इसको क्योंकि ये तो ऑप्शनल था तो मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो रिटर्न आता है वो सिर्फ एक वैल्यू का आता है एक कैरेक्टर का आता है इसका मतलब इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है पीछे बैकेंड पे वो है वन ठीक है तो बहरहाल की जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने डिस्कस की है जो इसको बिल्कुल basic level पे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिया अब देखते हैं सी का वाइस वर्सा दूसरा फंक्शन विच इज कॉल्ड राइट फंक्शन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का वर्ड है उसके राइट right साइड से कुछ कैरेक्टर्स निकल के मेरे पास आ जाएं एक सेपरेट सेल में और इस मरतबा मैं कहता हूं कि तीन कैरेक्टर्स तीन अल्फाबेट्स जो हैं वो आज जाएं तो आप देख सकते हैं कि राइट right साइड से इस स्पेलिंग के तीन वर्ड्स मेरे पास एक्सट्रैक्ट होके आ गए तो ये बड़ा सिंपल था आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब आते हैं तीसरे फंक्शन की तरफ, है? Equals to mid, और अब आप अगर इसके फंक्शन सिंटेक्स को देखें तो इसमें तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं और तीनों के तीनों कंपल्सरी हैं कोई भी ऑप्शनल नहीं है सही है सबसे पहला है टेक्स्ट यानी सेल का रेफरेंस अच्छा अब पर्पस क्या है ये जो पाकिस्तान का जो वर्ड है इस वर्ड के सेंटर में मिड में मेरे पास दो कैरेक्टर्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं आई और एस ठीक है तो ये जो आई और एस है ना ये मुझे निकालना है अलग से सेल में अब ये जो स्टार्ट नंबर ये जो सेकेंड फंक्शन आर्ग्यूमेंट है ना इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है उस टेक्स्ट को निकालने के लिए अब मुझे चाहिए आई और एस तो पहले मुझे पोजीशन पता करनी है ये जो आई की जो पोजीशन है वो क्या है ठीक है आई की जो पोजीशन है इस पाकिस्तान के वर्ड में वो है फोर्थ तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट करो और दो नंबर ऑफ करेक्टर्स यानी टू नंबर ऑफ करेक्टर्स मुझे निकाल के सेपरेटली दे दो तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास आई और एस एक्सट्रैक्ट होके एक डिफरेंट सेल में आ चुका अब ये नंबर चेंज भी हो सकता है क्योंकि अभी तो हमने मैन काउंट किया है ना इसको अगर हम फर्दर ये चाहें ना एडवांस क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि अगर ये नंबर तो अभी हम मैनुअली काउंट करके लिख रहे हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये नंबर मैनुअली काउंट करके ना लिखें कोई एक ऐसा फंक्शन मुझे मिल जाए जो खुद इसको ढूंढे और मुझे नंबर बताए तो डेफिनेटली वो भी पॉसिबल है एक दो एग्जांपल्स आज की क्लास में है तो मैं उसमें कवर कर दूंगा इसको ठीक है लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपको किसी सेल के अंदर किसी टेक्स्ट के सेंटर में से कोई वैल्यू निकालनी है तो पहले आप उसका स्टार्टिंग नंबर पता करते हैं और फिर आप उस टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बता दें कि आपको कितने एक्सट्रैक्ट करने हैं ठीक है जी तो तीन फंक्शन मैंने आपको सो फार आज की क्लास में कवर करा है बेसिक ठीक है अब आते हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग फंक्शन की तरफ लेट सपोज के एक सेल में मेरे पास लिखा हुआ है रहीम ठीक है और दूसरे सेल में लिखा हुआ है अली दो नाम लिखे हुए हैं दोनों मुख्तलिफ सेल में मौजूद है दोनों को ज्वाइन करना है दोनों को मिला के एक ही सेल में लेकर आना है बहुत आसान है टू D8 मैंने यहाँ पे पिक किया D8 के अंदर मेरा फर्स्ट नेम मौजूद है और एक और साइन मैंने यहाँ पर ऐड की है ये एंड की साइन नहीं है दिस इज़ एम परसेंड ठीक है और इसके बाद मैंने दूसरा सेल रेफरेंस को पिक किया दैट इज D9 जिसमें अली लिखा हुआ है और जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा रहीम अली लिखा हुआ जाएगा तो ये जो साइन आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एम याद रखिएगा ठीक है ये इंपॉर्टेंट है एम परसेंट क्या करता है एम परसेंट का काम है टू ज्वाइन टू और मोर देन टू सेल्स दो या दो से ज्यादा सेल्स को अगर आपस में आपको ज्वाइन करवाना है तो आप एम परसेंट की साइन को लगाते हैं ये जो लॉजिक अभी हमने क्रिएट किया है हमने दो सेल्स को आपस में जब ज्वाइन किया है तो ये फॉर्मूला है क्योंकि यूजर ने इसको खुद बताया जैसे हमने क्लास वन में डिस्कस किया था लेकिन अगर हमें यही सेम काम किसी फंक्शन से करवाना हो तो हमारे पास फंक्शन भी अवेलेबल है और उस फंक्शन का नाम है कॉन्टिनेट ठीक है अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने इतनी जल्दी इस स्पेलिंग को टाइप कर लिया तो जो लोग बहुत बेसिक से हैं मैं उनके लिए बताता हूँ जब फंक्शन कि स्पेलिंग बहुत लार्ज हो या आपको फंक्शन जल्दी से लिखना हो तो आपके पास एक टेक्निक होती है कि आप उस फंक्शन के शुरू के इनिशियल लेटर्स को टाइप कर लो जैसे मुझे अगर कॉन्कैटिनेट लिखना है तो मैं पूरा कॉन्कैटिनेट नहीं लिख रहा मैंने क्या किया मैंने सिर्फ इक्वल्स टू सी ओ एन लिखा और मेरे पास उस इनिशियल लेटर्स की है ना एक लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट को मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा यानी उस फंक्शन की तरफ कैसे जाऊंगा अपनी एरो कीज को इस्तेमाल करूंगा तो जैसे ही मैं डाउनवर्ड एरो की को इस्तेमाल करूंगा जब मैं उस फंक्शन की तरफ पहुंच जाऊंगा जब वो हाईलाइट हो जाएगा तो मेरे पास एक कीबोर्ड पे की होती है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कैप्स लॉक के ऊपर होती है टैब ठीक है जब मैं टैब की की को प्रेस करूंगा तो एक्सेल उस एंटायर स्पेलिंग को खुद लिख कर देगा मुझे पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है तो टैब की की से आपकी स्पेलिंग सही लिखी जाएगी क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जल्दबाजी में हम स्पेलिंग गलत लिखते हैं और जब इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास नेम एरर आता है ठीक है तो जब भी आपके पास नेम एरर आए ना तो आप समझ लें कि आपने आप फंक्शन की स्पेलिंग को सही नहीं लिखा है ठीक है अच्छा जी तो अब कॉन्टिनेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिनेट में सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है उसमें हमने डी एट को पिक किया कॉमा लगाया फिर डी नाइन को पिक किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो आप देख रहे हैं दोनों का सेम आउटपुट है रहीम अली एक सवाल यहाँ पर आ सकता है कि अगर मुझे दो नाम के दरमियान में एक स्पेस चाहिए फॉर एग्जाम्पल तो हम उसको कैसे करेंगे तो मैं इसको बता देता हूँ आपने सबसे पहले फर्स्ट नेम को पिक किया जो डी एट में मौजूद है एम परसेंट की साइन लगाई अब आपको स्पेस चाहिए तो स्पेस जो है वो एक कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को ऐड करने के लिए आपको उसको इनक्लोज करना होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो मैंने क्या लिखा इन्वर्टेड कॉमास स्पेस इन्वर्टेड कॉमर्स यानी अब इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक करेक्टर मौजूद है जो स्पेस है उसको ज्वाइन करो यानी उसको एम परसेंट करो लास्ट नेम के साथ जो कि डी नाइन में मौजूद है तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रहीम स्पेस अली ठीक है और इसी तरह से अगर आपको कॉनकेटिनेट के थ्रू करवाना है तो आपने फर्स्ट नेम पिक किया कॉमा लगाया फिर आपको स्पेस चाहिए तो अगेन इन्वर्टेड कॉमास में आपने स्पेस ऐड किया कॉमा ऐड किया और फिर आपने लास्ट नेम को पिक किया तो अगेन आपके पास फंक्शन के थ्रू आ गया रहीम स्पीस अली ठीक है जी तो मैंने कॉन्टिनेट का फंक्शन भी आपको बता दिया मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ जितने फंक्शन में आपको सिखाता चला जाऊंगा मैं उसको हाईलाइट करता चला जाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमने पंद्रह में से कितने फंक्शन अब तक पढ़ लिए हैं ठीक है अब आते हैं मजीद फंक्शन की तरफ और इसके बाद आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज मैं यहाँ पर लिखूंगा और आप में से कुछ लोग अगर इसको अटैम्प्ट करें और अपना कमेंट चैट बॉक्स में दें तो वो बड़ा ज़बरदस्त होगा ताकि आप टू वे कम्युनिकेशन होगा इंटरेक्टिव क्लास होगी तो आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी क्योंकि इस पूरे सेशन के अंदर इन तमाम सीरीज़ के अंदर मकसद ये है कि आपको एक स्मार्ट यूज़र बनाया जाए ना कि सिर्फ सेल फोन के ऊपर वीडियो दिखाई जाए जो कि यूट्यूब चैनल के तौर पर लगेगी ठीक है तो अब हम आते हैं मज़ीद कुछ फंक्शंस की तरफ सपोज मैंने अपना नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा है ठीक है और मुझे उसको स्मॉल लेटर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है तो मेरे पास एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड इक्वल्स टू लोअर और इसमें मुझे सिर्फ सेल रेफरेंस डिफाइन करना है ठीक है यानी कैपिटल से अगर आपको अल्फाबेट्स के कैरेक्टर्स को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन है आपके पास लोअर का तो उससे क्या होगा आपके जो कैपिटल में नेम्स होंगे वो स्मॉल में हो जाएंगे अगर स्मॉल में है और आपको कैपिटल करना है तो आप अपर का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो ये अपर का फंक्शन क्या करेगा तमाम के तमाम अल्फाबेट्स को कैपिटल लेटर्स में लेकर आएगा फिर हमारे पास एक और फंक्शन होता है जैसे आपने अमूमन देखा होगा कि हर वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है और रिमेनिंग स्मॉल में होता है तो उस फंक्शन का नाम है प्रॉपर ठीक है प्रॉपर का फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा और बाकी रिमेनिंग क्या होंगे स्मॉल होंगे तो मैंने आपको अपर लोअर और प्रॉपर भी समझा दिया कि उसकी बेसिक एप्लीकेशन क्या है वो क्या करते हैं वो डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं ठीक है अब ये सेवन डिफरेंट फंक्शंस को सीखने के बाद ठीक है पंद्रह में से सेवन अब तक हमने कवर कर लिया है सेवन डिफरेंट फंक्शंस को सीखने के बाद अब आपके लिए छोटा सा चैलेंज यहाँ पर क्रिएट करते हैं जस्ट टू मेक यू इन्वॉल्व इन द सेशन तो मैं इस एक्सेल के ब्लैंक सेल में एक सेंटेंस टाइप करता हूं टू बी और नॉट टू बी ठीक है यानी ये चैलेंज क्या है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है टू बी और नॉट टू बी आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है वो मैं लिखता हूँ कि आपको किस तरह से एक ट्रांसफॉर्म करना है टू बी और नॉट टू बी ये सल्यूशन है ठीक है तो चैलेंज जो है वो ये है सल्यूशन जो है वो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है लेकिन आपको सोल्यूशन मैनुअल नहीं लिखना आपको इस येलो वाले सेल को ट्रांसफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शंस इनटू द ग्रीन सेल ठीक है ना तो जो चीज़ येलो में लिखी हुई आप इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इस ग्रीन सेल के अंदर आप देखें कि दोनों में क्या डिफरेंस है पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें दोनों में क्या डिफरेंस है इस डिफरेंस को कैसे सॉल्व करेंगे अब तक जो हमने फंक्शंस को सीखा है उसी के अंदर ही सोल्यूशन मौजूद है तो नेक्स्ट थ्री टू फाइव मिनट्स मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए आ, मुझे ये तो बड़ी ज़बरदस्ती उम्मीद है कि जो सेल फोन पर देख रहे हैं वो तो इस वक्त सोच सकते हैं सिर्फ लिख शायद ना सके या ना सके लेकिन जो लोग लैपटॉप पे मौजूद हैं जो लोग सिस्टम पर हैं आप स्टार्ट करें। तीन के बाद मैं करता हूं आपके साथ यही हमारा पैटर्न होगा इसीलिए क्लास थ्री से ऑनवर्ड्सोन नहीं होना चाहिए प्लीज बिकॉज हम सैम्पलिंग के बेसिस पे किसी को भी आप में से किसी की भी स्क्रीन शेयर करने का कह सकते हैं ठीक है सो नेक्स्ट थ्री टू फाइव मिनट्स इज ऑल फॉर यू Try to solve this challenge and I will get back to you. अच्छा क्या हमारे साथ जैन मौजूद है जैन हुसैनी जैन अगर आप मौजूद हैं तो अनम्यूट करें अपने आपको जी जी भाई। हाँ जैन आपको ये काम ये करना है कि आपके पास पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आ रही होगी जो अभी हमारे पास क्लासरूम में राइट जी 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 आप अपनी मनपसंद का कोई भी रेंडम पर्सन सेलेक्ट करें और उसको कहें कि अपनी स्क्रीन शेयर करें मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मैं सल्यूशन देखना चाहता हूँ ओके सो आई नीड टू रिक्वेस्ट सम तो अगर जो है वो मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो एजाज आ, आ रहे हैं एजाज अमान शाह सो so, एजाज अमान शाह मैंने आपको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट की है अगर आप स्क्रीन शेयर कर सको या कोई भी ऐसा हो कि जिन्होंने अगर ये सोल्यूशन कर लिया हो एंड इफ यू टू शेयर स्क्रीन तो अगर वो सिर्फ अपना हैंड रेज कर लें तो हम उनको रिक्वेस्ट कर देंगे, वो अपनी स्क्रीन शेयर कर लें जैन uh, uh, जो नाम आप बोल रहे हैं या जो वॉल्ट्रियली आप बोल रहे हैं और uh... उसमें देखिएगा जो पार्टिसिपेट नहीं करते उनके उनके नाम भी नोट करें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम भी नोट करें ठीक है तो दो लोगों ने जो है वो किया है सो लेट मी अगर वो जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सके। और मुनीरा uh, अगर आप जो है वो बोलना चाहती तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ आप अपने को अनम्यूट कर सकती हैं और आप जो है वो सॉल्यूशन हमें बता सकती हैं ओके कैन यू हियर मी जी जी बिल्कुल अच्छा सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज आई हैव अ सट ऑफ रिटन ईच वर्ड इन अ सेपरेट कॉलम और फिर उसको ये फार्मूला में कंबिनेट कंबिनेटिनेट फार्मूला में आई हैव with the space I've written. And then we have a, then I've added proper. Okay, thank you, thank you, Munira. Uh, uh, can we have one more next, please? जी कोई और अगर जो है वॉल्ट्री शेयर करना चाहे so मुनीरा ने जो है वो हम बता दिया अगर आप अपना हैंड रेस ले तो मैं आपको जो है फिर रिक्वेस्ट करूँ कि आप जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकें ओके okay, तो राहत पास्तानी ने जो है वो हैंड रेस किया है सो so, मैं आपको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर मैंने बेसिकली प्रॉपर का फॉर्मूला लगाया था फिजिकल टू प्रॉपर और फिर इसको कॉपी किया था मैंने मुझे सिर्फ ये समझ नहीं ना कि इसको कैसे है ना वो करना है ठीक है ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू तो रहीम भी है वन मोर पार्टिसिपेंट आई थिंक खुरम ने भी हैंड रेज किया है हां श्योर श्योर वी कैन गिव गिव इट टू खुरम एंड देन आई विल शेयर माय स्क्रीन नेक्स्ट खुरम खाना मैंने आपको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट किया है जी सर मुझे सुन लो स्क्रीन आ रही है आपके पास आ, नहीं आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है कोने को पास को शो है मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो पा रही है ओके नो प्रॉब्लम करम व्हाट यू कैन डू इज सिंपली व्हाटएवर द सॉल्यूशन यू हैव मेड Kindly copy that uh, particular formula and write in the chat window so that we can cross check uh, for the screen Reme don't Reme worry सर मैंने तीन तीन टेक्स्ट यूज किए इस के अंदर टेक्स्ट फंक्शन इसमें फर्स्ट के अंदर मैंने प्रॉपर यूज किया

in every class we will select some random people is uh, what next time i might be i will give a chance to a to select some random people and then uh, definitely i would like to have some people as well uh, to make sure that you are not uh, seeing through cell phones okay? uh, because we want you to learn it interactively rather than just watching it all right so Okay, so Zen, uh, can you have settings check because I can see the Kurram screen here. All right. So do confirm me if you can all now again can see my screen as well. TK. Yes. Okay, thank you. Right. So th there are a lot of ways to do this solution, but one of the way which Kurram told you. ठीक है काफ़ी लोगों ने यह भी कहा कि जो है ना इस पर प्रॉपर अप्लाई कर लो बट प्रॉपर का मसला पता है क्या होगा प्रॉपर का इशू ही होगा कि वो हर वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है ना वो कैपिटल कर देगा और हमें जो चैलेंज दिया गया और चैलेंज और सोल्यूशन के दरमियान में जो डिफरेंस है ना मैंने इसीलिए आपसे पहले ये कहा था कि पहले डिफरेंस को देखो डिफरेंस क्या है कि सिर्फ पहला जो लेफ़्ट साइड पर है ना वो कैपिटल है बाकी सब स्मॉल में है ठीक है और हम यही चीज देखेंगे यही चीज हम अपने अंदर बिल्ट इन करना चाहते हैं क्योंकि हम एक्सेल को रट्टा नहीं लगाना चाहते ठीक है टू बी वेरी क्लियर हम किसी भी तरह के सोल्यूशन को रट्टा नहीं लगाएंगे हम उसको समझेंगे और जब हम समझ के उस सोल्यूशन को बनाएंगे ना सो वी विल हैव दैट कॉन्फिडेंस और ये एट वीक्स के अंदर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही बिल्टअप करना है कोई मसला नहीं अगर आप गलत करते हो क्योंकि हम सब लोग यहाँ सीख रहे हैं ठीक है ना लेकिन हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें अपने बॉक्स से बाहर निकलना है हम हम जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वी विल नॉट लर्न ठीक है तो अब मैं आपको यहाँ क्विकली सोल्यूशन बताता हूँ एंड देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट फंक्शन एज वेल राइट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रॉस वन आर फॉर द टू डेज क्लास सो नाओ कैसे करेंगे मैं पहले तो आपको स्प्लिट करके बताता हूँ मतलब मैं बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में सोल्यूशन बताता हूँ जैसे खुर्रम अभी बात बात कर रहे थे आप तमाम लोगों के साथ कि उन्होंने किस तरह से पहले पहले एक एक पॉइंट को आइडेंटिफाई किया और उसको ट्रांसफॉर्म किया सो लेट से ये जो सबसे पहला करेक्टर है जो टी लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे ठीक है पहली चीज तो ये कि इसकी पोजीशन किया है इसकी जो पोजीशन है वो है लेफ्ट साइड ठीक है तो इसका मतलब मैं लेफ्ट साइड से इस पहले करेक्टर को एक सेपरेट सेल में निकाल लूं ठीक है मैंने उस पहले करेक्टर को लेफ्ट साइड से एक सेल में निकाल लिया अब ये स्मॉल लेटर में है मुझे इसको कैपिटल करना है तो मैंने अपर का फंक्शन अप्लाई किया और मैंने सेल का रेफरेंस दे दिया तो ये कैपिटल हो गया तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ जिनको नहीं समझ में आया मैंने सबसे पहले सेंटेंस के लेफ्ट साइड से पहला करेक्टर निकाला और फिर उसको कैपिटल किया अब सर यही बात आप अगर एक ही सेल में लिखें तो कैसे लिखेंगे तो वो मैं आपको लिख के बताता हूँ अब आप देखें एक्सेल से ना कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं जैसे हम आपस में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं उर्दू में अंग्रेज़ी में अपनी दूसरी लैंग्वेज में इसी तरह से देखें जब आप सिस्टम से बात करेंगे ना तो सिस्टम को अंग्रेज़ी या उर्दू नहीं आती है सिस्टम की अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो सिस्टम की लैंग्वेज में आपको बात करना सीखना होगा और इसी इसीलिए इस स्किल सेट को आपको इस इस तरह से सिखाया जा रहा है कि आप बात कैसे कम्युनिकेशन कैसे करें क्योंकि अगर आप सही कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको सही रिस्पांस मिलेगा अगर आप गलत कम्युनिकेशन करेंगे तो एरर मिलेगा तो अब हम इसको जरा सीख रहे हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा हमने लिखा लेफ्ट ठीक है और इसके बाद हमने एक और फंक्शन ऐड किया इसी के अंदर ऐड किया जब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं नेस्ट ठीक है नेस्टेड कहते हैं एन ई एस टी ई डी नेस्टेड ठीक है कि हमने एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन नेस्ट कर दिया और फिर मैंने सेल का रेफरेंस दिया और इसके बाद लेफ्ट साइड से मैंने कहा कि वन कैरेक्टर मुझे निकाल के बताओ अब आप जरा इस सेंटेंस को पढ़ें देखें जब आप किसी एक्सेल के सेल में कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो सबसे पहले क्या चीज सॉल्व होती है सबसे पहले जो चीज़ सेंटर मोस्ट इनर पोर्शन में होगी सबसे पहले वो सॉल्व होगी अब आप मुझसे अगर यहाँ पूछेंगे कि सर इसमें सबसे पहले लेफ्ट सॉल्व हो रहा है या अपर सॉल्व हो रहा है तो मेरा आंसर होगा सबसे पहले इसमें अपर सॉल्व हो रहा है तो एक्सेल सेल में जितना बड़ा भी फॉर्मूला जब भी आप देखें तो एक बात याद रखें जो चीज इनर मोस्ट सेंटर पोजिशन पे होगी सबसे पहले वो सॉल्व होगी और आहिस्ता आहिस्ता आउटर पोजिशन आउटर लेयर्स पे आके वो चीज सॉल्व होती है ठीक है तो सबसे पहले इसमें अपर सॉल्व हो रहा है यानी पहले कैपिटल किया और कैपिटल करने के बाद लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर निकाल के दे दिया जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है अच्छा अब आप जब देखते हो ना क्यूरी और सोल्यूशन के दरमियान में डिफरेंस तो बाकी का जो आगे का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है उसमें कोई चेंज ही नहीं है नंबर वन नंबर टू अब आपको वो एग्जैक्टली सेम डेटा निकालना भी है तो आप ये देख रहे हो ये जो ओ लिखा हुआ है ये किस पोजिशन पर है सेल के तो ये ओ जो है ना तो लेफ्ट साइड पे है ना ही राइट साइड पे ये मिड में तो हमने यहाँ इस्तेमाल किया मिड सेल का रेफरेंस दिया ओ की पोजीशन बताई क्योंकि हमें ओ से स्टार्ट करना है उस टेक्स्ट को निकालना है अलग से सेल में तो हमने कहा सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करो और देखें फिर एक तरीका ये होता है कि अब मैं ना मैनुअली इसको काउंट करूं कि भाई आगे कितने कैरेक्टर्स हैं पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह तो इंस्टेंट के मैं इसको मैनुअली काउंट करूं मैंने एक बड़ा नंबर यहाँ टाइप कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये नाइन्टी से तो कम ही होंगे ना तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि भाई मैं काउंट करूं कि कितने करेक्टर्स आगे हैं मैं क्या करूंगा मैं एक बड़ा नंबर दे दूंगा मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि 99 नाइन से तो कम ही है और मैं इंटरप्रेस कर दूंगा अब ये दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ना है तो मैंने कहा एच एट को ज्वाइन करो एच नाइन के साथ और ये जनाब मेरा सोल्यूशन बन गया अब आपका सवाल होगा सर इसको एक ही सेल में लिखने का अंदाज कैसे होगा तो बहुत सिंपल है मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ लेफ्ट साइड से कैपिटल करो पहले कैरेक्टर को यह हो गया पहला हिस्सा इस पहले हिस्से को ज्वाइन करो मिड के फंक्शन के साथ सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करो और आगे के 99 कैरेक्टर्स निकाल के दो तो ये हो गया आपका सल्यूशन ठीक है जी तो इस तरह से आप क्या करते हैं जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है एक्सेल का तो आप उसको सोचते हैं उसमें से कॉमन चीज़ अनकॉमन चीज निकालते हैं उसकी पोजीशन पता करते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में और आप एक्सेल के फंक्शन से बात करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू ठीक है ये चीज़ आपके दिमाग में एक साथ कभी भी नहीं आएगी जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप एंड रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे ठीक है जी तो मैं इस इक्वेशन को कॉपी कर रहा हूँ और चैट विंडो में पेस्ट कर देता हूँ बहरहाल मैं इसका सोल्यूशन आफ्टर द क्लास भी दे दूंगा प्लस रिकॉर्डिंग में तो आप इसको देख ही सकते हैं दैट्स अंडरस्टूड ठीक है ना तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जब आपको चैलेंज दिया जाएगा तो इसी तरह से चैट विंडो के अंदर जैसे अभी मैंने आपके पास ये सोल्यूशन टाइप किया है इसी तरह से आप अपने आंसर्स देंगे तो आपके नाम जो है वो जैन और जो भी मैनेजमेंट है वो मार्क करेगी कि कितने लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड हाउ वी कैन गिव एन एवरेज मार्क्स ठीक है जी अच्छा जी तो देखें जब हम बेसिक लेवल पे चीजों को पढ़ते हैं तो कितनी डिफरेंट होती है जब हम उसको प्रैक्टिकल किसी सिनेरियो में डालते हैं तो वो कितनी डिफरेंट हो जाती है है ना इसी तरह से हमें इन तमाम एट क्लासेस के अंदर जो है अपनी स्किल सेट को इनशा इनशाला इनहेंस uh, करना है सही है अब बढ़ते हैं मजीद फंक्शंस की तरफ तो लेट सपोज मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ हाउ फिर मैं बहुत सारे स्पेसेस एड करता हूँ आर फिर अगेन बहुत सारे स्पेसिस यू ठीक है मैंने एक सेंटेंस लिखा हाउ आर यू अब आपको पता है कि लॉजिकली दो वर्ड्स के दरमियान में इतने सारे स्पेसिस नहीं होते ये तो बहुत सारे अननेसेसरी स्पेस हमने ऐड कर दिए ठीक है थीके? तो अननेसेसरी नेसेसरी स्पेसिस को ख़त्म करने के लिए हम ट्रेम के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो ट्रेम का फंक्शन क्या करता है जितने भी अननेसेसरी स्पेस होते हैं जब आप किसी डेटा को किसी पी से कॉपी करके पेस्ट करते हैं या किसी वेबसाइट से डेटा कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो मसले मसाइल होते हैं कि आपको डेटा क्लीन करना पड़ता है और उसमें अननेसेसरी स्पेसेस बहुत सारे आ जाते हैं। तो आप ट्रिम ट्रिम के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए उसको ख़त्म कर सकते हैं ठीक है तो जनाब ये ट्रेम का फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया ठीक है अब हम आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग सी क्यूरी के ऊपर ठीक है और अगेन इसके बाद फिर हम मज़ीद कुछ स्टूडेंट्स को मांगेंगे फ्रंट पे आने का स्क्रीन शेयर करने का लेकिन पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ बात कर लूँ मैं आपको एक और फंक्शन पढ़ा दूँ और ये बेस करता है एजम्पन्स पे ठीक है हम आने वाली क्लासेस में एजम्पन्स को ब्रेक भी करेंगे लेकिन क्योंकि जैसे हमने कहा कि ये बेसिक टू एडवांस बेसिक टू इंटरमीडिएट क्लासेस हैं तो हम फंडामेंटल्स अपनी बेस को स्ट्रांग कर रहे हैं तो हम एग्जाम्पल्स में भी कुछ एजम्पन्स रखते हैं ठीक है लेकिन जब हम एडवांस क्लासेस में इनशाला जाएंगे तो हम वहाँ अजम्पन्स को ब्रेक करेंगे ठीक है और वहाँ पर प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ भी आपको दी जाएंगी अच्छा जी जैन हुसैनी ठीक है बाकी एक और नाम लिख लेते हैं सलमान रशीद ठीक है मैं चार नाम लिख रहा हूँ जब आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे तो उसमें ज़्यादा नाम होंगे और अगेन मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो समझा रहा हूँ और इसको अगर आपने समझ लिया तो ये बहुत किस्म के सेरीओज़ में आप, आपको कमांड आ जाएगी बहुत अच्छी सी ठीक है ना तो इसको ध्यान से समझिएगा मैं क्या करूँगा मैं इस नेम्स के लिस्ट में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम्स को एक्सट्रैक्ट करूँगा हमारे पास अब बहुत सारे तरीके हैं एक्सेल के अंदर कुछ लोग इसको टेक्स्ट टू कॉलम से सॉल्व करते हैं यानी एक तरीका है कि कुछ लोग टेक्स्ट टू कॉलम्स के बिल्ट इन फीचर्स को सॉल्व करते हैं जिसमें वो डेलीमेटर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं डेलीमेटर का मतलब होता तो है कॉमन चीज जो दोनों को स्प्लिट कर दे तो आप एक चीज़ गौर करें कि दोनों नाम के दरमियान में स्पेस है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान में स्पेस है तो ये डेलोमीटर कहलाता है कॉमन चीज जिसकी वजह से डेटा स्प्लिट हो जाए मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर ठीक है तो कुछ लोग टेक्स्ट टू कॉलम्स इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग फ्लैश फिल अगर डेटा अप टू स्टैंडर्ड बना हुआ तो फ्लैश फिल जो है वो आपको 2013 ऑनवर्ड्स वर्जन के अंदर मिलेगा 2007 और 2010 में आपको नहीं मिलेगा फ्लैश फिल ठीक है वो उसको भी यूज करते हैं फ्लैश फिल क्या करता है एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और अपनी इंटेलिजेंस से उस पैटर्न के रिजल्ट्स को आपके सामने रखता है ठीक है मैं अभी फ्लैश फिल भी आपको बताता हूँ कि वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जो हमारा मेन मकसद है वो लैंग्वेज को सीखना है एक्सेल की लैंग्वेज को सीखना है फॉर्मूला बनाना सीखना है ठीक है तो पहले उसकी बात करते हैं अच्छा जी तो मेरा ख़्याल है कि आप लोग को एक छोटा सा असाइनमेंट दे दिया जाए एक और ठीक है इससे पहले कि मैं सल्यूशन की तरफ आऊँ तो एक काम करें जिन लोगों के पास सिस्टम है अगेन वो इस एग्ज़ाम्पल को ड्रॉ करें अपने पास ये ज़रा डेटा अपने पास बनाए ठीक है और करना क्या है मैं चैलेंज आप सुन लें कि आपके सामने कौन सा कौन सी सिचुएशन आपको करना यह है कि इन नेम्स की लिस्ट में से फर्स्ट नेम्स निकाल लें ने, एक अलग कॉलम में और लास्ट नेम्स निकाल लें ने, एक सेपरेट कॉलम में विद द हेल्प ऑफ फार्मूला और फंक्शन जो आपको बेहतर लगे ठीक है और जो सल्यूशन आप बनाएंगे तो फिर वी वे जैन जो है वो डेफिनेटली रेंडमली सेलेक्ट करेंगे और वो आपको स्क्रीन शेयर करवाएंगे मैं आपको तीन मिनट दे रहा हूँ इतनी मुश्किल क्यूरी नहीं है तीन मिनट के अंदर आप डेटा बनाएं उसको सॉल्व करें एंड देन uh, हम तीन मिनट के बाद कम्युनिकेशन करते हैं ठीक है

तो मैं आपको जो एक्सेल में मैंने काम किया है वो आपको शेयर कर सकता हूँ तो जिस तरह मैंने किया है आपने बताया था मिड का फंक्शन तो मैंने सेम इसी तरह मिड के फंक्शन के साथ मिड का फंक्शन लगाया वो जो फर्स्ट नेम जिससे लेना था उसको पॉल, उसको आ, सेल को सिलेक्ट किया उसके अंदर से फर्स्ट से लेके जितने मैंने लेटर्स ले थे मतलब कि मेरा नाम हूँ सेन है ठीक तो है मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया ठीक है सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट नंबर और जो नंबर करेक्टर थे वो मैंने सेवन तक उसको सिलेक्ट कर ले तो मेरा ये फर्स्ट नेम अलग हो गया मैंने इस तरह ही किया इसका अगर हुसैन बाकी नेम्स हम स्पेल लिखे हैं अगर आपके डेटा में तो सबकी स्पेलिंग के सेम कैरेक्टर्स तो नहीं होंगे है ना जी तो उस वक्त क्या होगा हर एक सेल में जाके मैनुअल काउंट करना पड़ेगा कि कितने नंबर हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जी हां काउंट तो करना पड़ेगा पर जिस तरह मैंने किया वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि मैंने इसका काउंट करने के साथ मैंने ये कर लिया जी आप वो शेयर करेंगे तो हमें आइडिया होगा शेयर कर दें प्लीज मैं वो पिक्चर कैप्चर करके शेयर कर सकता हूँ हो सकता है सब जरूर जरूर आप देख लें अगर ये ऑप्शन है उसमें तो चैट में ठहरे में चेक कर देता हूँ जब तक आई थिंक आप आ, कर रहे हैं तो लेट की अलियान अलियान ने भी हैंड रेस किया है मैंने एको है, सो अगर आप इसको जो है वो करेक्ट कर सके जब तक आप नेक्स्ट पे आ जाए किसी और पे सो आ जाएं? लैला मुनाफ का भी जो है वो हैनरीज है बेला क्या आप अपना आपको अनम्यूट कर सकती हैं हेलो याले मदद हेलो जी मलाई मदद जी ले जी मेरे पास है ना कंप्यूटर नहीं है लेकिन मैंने इसका फॉर्मूला जो है ना वो चैट में राइट करके दिया है तो वो आप रीड कर लें ठीक है थैंक यू नेक्स्ट वन मोर ओके okay, ख़रम तेजानी का भी हैंड रेसेस लेट्स गिव दें चांस। वी हैव ऑलरेडी गिवन टू द ख़रम लेट्स ट्राइ वन मोर डिफरेंट पर्सन प्लीज। शर. सो मैं आलियां को दोबारा से जो है वो ट्राइ करता हूँ। हेलो। हेलो फर्स्ट नेम आई मैंने फर्स्ट नेम जो है लेफ्ट के फॉर्मूले से निकाला और जो ये लास्ट नेम है राइट के फॉर्मूले से निकाला है तो जो सिक्स कैरेक्टर्स थे वो इस तरह से निकल गए और राइट right के जो सेवन कैरेक्टर्स थे वो इस तरह से ठीक है आलियन थैंक यू सो आई होप के आप तमाम लोग जो है वो मेरी स्क्रीन को जो है वो देख सकते हैं ठीक है अच्छा जी तो हम पहले इनिशियली जो आपके माइंड में एक सोल्यूशन आया है जिसमें लेला ने भी एक रिस्पॉन्स दिया है आलियान ने एक रिस्पॉन्स दिया है ठीक है तो उसको भी डिस्कस करते हैं और फिर अब यहाँ सीखते हैं कि इसको कैसे जो है वो ठीक किया जाए क्योंकि अगर आप काउंटिंग करेंगे क्योंकि हर नेम की जो स्पेलिंग है उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और हम यहाँ पे छोटा डेटा की बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी तो बेसिक क्लास है लेकिन आप अज्यूम करें कि आप एक एच आर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और एक बड़ी कंपनी में है जहाँ पर आपके पास बारह हजार पंद्रह हजार एम्प्लॉ के नेम्स हैं तो वहाँ आप अगर मैनअली हर सेल के अंदर काउंटिंग करेंगे कि वो कितने वर्ड्स का कैरेक्टर है वर्ड है तो वह तो पूरा दिन कंज्यूम हो जाएगा आपका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम के ऊपर ठीक है ना तो हमें कुछ स्मार्ट सोल्यूशन चाहिए डेफिनेटली उसमें से जो ट्रेडिशनल है वो फार्मूला अप्रोच है इसके अलावा जो मैंने दो अप्रोचेज हैं वो ऊपर लिख दी हैं फिर अगर हम थोड़ा सा और एडवांस बात करें तो फिर हम पावर क्यूरी और ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस क्लास का जो स्कोप है वो फार्मूला बेस है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है एंड आई होप के तमाम पार्टिसिपेंट्स अब अटेंटिवली जो है वो इस सोल्यूशन uh, को uh, समझेंगे ठीक है पहली चीज़ जो बिल्कुल आपने बेसिक की होगी ना वो मैं अज्यूम uh, करता हूँ कि वो आपने कुछ इस तरह से की कि आपने ये देखा कि तमाम के तमाम जो फर्स्ट नेम्स होते हैं ना वो होते हैं लेफ्ट साइड पर ठीक है तो मैंने इसको स्टार्ट किया लेफ़्ट से और फिर मैंने सेल का रेफरेंस दिया और मैंने मैनुअली काउंट किया कि जनाब रहीम के वर्ड में कितने कैरेक्टर्स हैं कितने अल्फ़ाबेट्स हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया फ़ाइव और ब्रैकेट क्लोज कर दिया अब मैं इस फंक्शन को जो है ना कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ डाउनवर्ड्स मसला क्या हुआ कि क्योंकि इसके अंदर हार्ड कोडेड हमने फ़ाइव लिखा हुआ है तो जब ये कॉपी होके नीचे पेस्ट होगा तो इसमें से भी फाइव कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट होंगे फिर अगेन फाइव कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट होंगे ऑल दो सलमान के वर्ड के अंदर छः अल्फाबेट्स हैं यहाँ सलमा लिखा हुआ है अली का वर्ड तीन अल्फाबेट्स का है यहाँ पर अली स्पेस ए आ रहा है तो अब देखो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि मैं मैनअली काउंट करूं हर एक वर्ड को और फिर उसको सही करता जाऊं इस तरह से तो अगर मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है तो बड़ा टाइम लगेगा तो जिन लोगों ने इस तरह का सोल्यूशन बनाया तो अब वो थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं कि दिस इज नॉट द राइट एंड स्मार्ट सोल्यूशन हमें डिफरेंट तरीके से इसको सीखना है अब जरा मुतवजा हो जाए ठीक है कैसे करेंगे इसको सबसे पहले बताता हूँ विदाउट फॉर्मूला ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट नेम जो है ना वो मैनुअल लिखा रहीम और फिर मैंने रेंज या कॉलम को सेलेक्ट कर लिया ठीक है इसके बाद मैं जाता हूँ डेटा के टैब में और इस डेटा के टैब में डेटा टूल्स का एक ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे एक छोटा सा आइकन है फ्लैश फिल के नाम से और जैसे मैंने कहा कि ये जो फ़्लैश फिल है ये आपको डेस्कटॉप वर्जन में 2013 और अबव वर्जन में मिलेगा सही है तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें विदाउट फार्मूला अली जैन सलमान बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ एक्सट्रैक्ट हो गए ठीक है इसी तरह से अगर मैं पहला लास्ट नेम मैनुअल लिख दूँ और मैं इसको सेलेक्ट करूँ इस कॉलम को डेटा के टैब में जाऊँ और वहाँ पर मैं फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा तो देखें मेरे पास ऑटोमेटिकली सारे जो लास्ट नेम्स थे वो बिल्कुल प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे अच्छा फ्लैश फिल आपके पास उस वक्त काम करेगा जब आपके कॉलम्स एडजेसेंट होंगे यानी फॉर एग्जांपल अगर इस नेम्स और इस फर्स्ट नेम के दरम्यान में मैं अगर एक ब्लैंक कॉलम सेलेक्ट इंटर कर लूँ इंसर्ट कर लूँ तो ये फंक्शनैलिटी काम नहीं करती ये फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी इसका मतलब डेटा एडजस्टेंट होना चाहिए ये जो आपका आउटपुट वाला कॉलम है वो बराबर में होना चाहिए आपके ओरिजिनल डेटा सेट के साथ यानी एडजस्टेंट होना चाहिए ठीक है दूसरा फंक्शनैलिटी विदाउट फार्मूला है वो टेक्स्ट टू कॉलम्स की है ये भी बहुत आसान है ये भी बता देता हूँ आपको देखें आपने डेटा सेलेक्ट किया उसको कॉपी किया और बराबर में कर दिया पेस्ट कि हमें अब ओरिजिनल डेटा तो रिटेन करना है ना इस, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी है इसके बराबर वाले कॉलम में करनी है जब ये कॉपी करके आपने पेस्ट कर लिया अब आपने इस सेकेंड कॉलम यानी जिसमें फर्स्ट नेम्स भी है लास्ट नेम्स भी है उसको सेलेक्ट किया और आप गए डेटा के टैब में यहां पर एक फीचर है दैट इज कॉल्ड टेक्सट टू कॉलम्स टेक्स टू कॉलम्स पे आपने क्लिक किया नेक्स्ट अब आप ये देखें कि दो अल्फाजों के दरमियान में कौन सी कॉमन की है स्पेस है तो डेलोमीटर्स के अंदर आपने स्पेस पे चेक मार्क लगाया तो देखें जैसे आपने स्पेस पे चेक मार्क लगाया तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ हो गई इसका मतलब ये क्या कर रहा है स्पेस के बेसिस पे दो अल्फाजों को स्प्लिट कर रहा है नेक्स्ट फिनिश तो बहुत ही आसानी से आपके फर्स्ट नेम्स भी एक्सट्रैक्ट हो गए लास्ट नेम्स भी एक्सट्रैक्ट हो गए तो ये दो सोल्यूशंस है विदाउट फॉर्मूला अब आते हैं फॉर्मूला पे फॉर्मूला की मैंने पहले अप्रोच बता दी कि हम मैनुअली हर सेल के अंदर जाके उसके नंबर ऑफ कर्ज को काउंट नहीं करेंगे बल्कि हमें थोड़ा सा स्मार्ट सोल्यूशन बनाना है ठीक है अब जरा सुनिएगा इक्वल्स टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन ठीक है लेफ्ट से सारे नाम आएंगे जो फर्स्ट नेम्स होंगे लेकिन इससे पहले एक और चीज मैं चाहूंगा कि अब आप लोग जो रिस्पॉन्स करें ना वो चैट विंडो में करें ठीक है मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सवाल ये है इस रहीम जुल्फिकार जिस सेल में लिखा हुआ है इसमें एक स्पेस है इस स्पेस की पोजीशन नंबर बता दें चैट विंडो में ये जो स्पेस है इसकी पोजीशन नंबर क्या है इस सेल के अंदर मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ रहीम जुल्फिकार जिस सेल में लिखा हुआ है उसमें स्पेस की पोजीशन क्या है उसका नंबर बताएं आप लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे स्पेस तक पहुंचेंगे तो आपको एक नंबर पता चलेगा और वेरी uh, गुड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सारे रिस्पॉन्सेस सेम है ठीक है एक और काम करें मेरे लिए जैन हुसैनी जिस सेल में लिखा हुआ है उसमें स्पेस की पोजीशन बता दें जैन हुसैनी जिस सेल में लिखा हुआ है उसमें स्पेस की पोजीशन क्या है फाइव है वेरी गुड जबरदस्त इसका मतलब तमाम लोग सही से अटेंटिवली सुन रहे हैं अब ये जो आपने बताया ना कि रहीम जुल्फिकार के सेल के अंदर स्पेस की पोजीशन सिक्स है जैन हुसैनी के सेल में स्पेस की पोजीशन फाइव है ये आपने मैनुअल बताया है ना खुद ही मैनुअल काउंट किया ना आपने इसको कोई ऐसा फंक्शन है जो ये काम करे बिल्कुल है समझिएगा सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है क्या चीज ढूंढनी है स्पेस ढूंढना है स्पेस का स्पेस हम इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखेंगे क्योंकि वो एक कैरेक्टर है ना कॉमा लगाया आप स्पेस को किस सेल में ढूंढना चाहते हैं वो हमने डिफाइन किया K4 के अंदर और ब्रैकेट क्लोज कर दिया इसने कहा स्पेस जो है वो सिक्स्थ पोजीशन पे है मैं इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट करता हूं तो फाइंड के फंक्शन ने मुझे उस स्पेसिफिक कैरेक्टर की पोजीशन नंबर निकाल के दिया और हर सेल के अंदर स्पेस एक डिफरेंट पोजीशन पर है है ना तो आई होप कि आपने एक फंक्शन सीखा कि आप किसी कैरेक्टर को अगर सेल में ढूंढकर उसकी पोजीशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे अब इंटरेस्टिंग पार्ट तमाम के तमाम फर्स्ट नेम्स का मौजूद है लेफ्ट साइड पर ठीक है लेकिन अब मैं यहां पर मैन्युअली फाइव नहीं लिखूंगा अब मैं इस नंबर को बनाऊंगा डायनेमिक क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि मैं मैनुअली यहाँ पे कोई नंबर काउंट नहीं करूंगा बल्कि मैं किस किसकी मदद लूंगा फाइंड के फंक्शन की तो मैं फाइंड को बोलूंगा कि भाई स्पेस को ढूंढो किस सेल में के फोर में ठीक है तो ये जो इतना पोर्शन है ये आपको क्या रिटर्न करेगा सिक्स रिटर्न करेगा ठीक है और ऑटोमेटिकली ये बैक एंड पे जब सिक्स बनेगा तो लेफ्ट साइड से आपके पास सिक्स करेक्टर्स आ जाएंगे मैं इसको ड्रैग करता हूँ और ड्रॉप करता हूँ तो बड़ी एक्यूरेसी के साथ आपके पास रहीम अली जैन सलमान भी आ रहा है लेकिन एक और चीज है जो आप में से कुछ यूजर्स ने आइडेंटिफाई की होगी इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जिसमें रहीम लिखा हुआ है उसमें पांच कैरेक्टर्स नहीं है छह कैरेक्टर्स हैं किसी भी सेल की लेंथ पता करनी हो तो हमारे पास एक फंक्शन होता है लेन के नाम से कि भाई बताओ कि इस fun, इस सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स है उसकी काउंटिंग बताओ तो देखो ये क्या बता रहा है सिक्स है ना क्योंकि इस रहीम के वर्ड में स्पेस भी मौजूद है अब वो स्पेस मुझे इसमें से निकालना है तो स्पेस निकालने के लिए मैं यहां लगाऊंगा माइनस वन और फिर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत सिंपल है ध्यान दीजिएगा ये पर्टिकुलर फाइंड का फंक्शन क्या कर रहा है स्पेस की पोजीशन निकाल रहा है पहली एग्जाम्पल के अंदर स्पेस की पोजिशन क्या है सिक्स तो सिक्स में से वन माइनस करोगे तो क्या आएगा फाइव तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन आपको क्या दे रही है फाइव तो कैरेक्टर्स निकाल के दो कहां से लेफ्ट साइड से अब आ जाओ जैन हुसैनी वाले एग्जांपल पे ये पर्टिकुलर फाइंड का फंक्शन आपको क्या निकाल के दे रहा है स्पेस की पोजिशन तो जैन हुसैनी में स्पेस की पोजिशन क्या है फिफ्थ तो फाइव में वन माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा ऑटोमैटिकली तो यानी ये ये हो गया ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर रहा है और उस नंबर को वो लेफ्ट साइड से उतने कैरेक्टर्स मुझे निकाल के दे रहा है ठीक है इसी तरह से लास्ट नेम्स के लिए मिड स्टार्ट नंबर अब स्टार्ट नंबर number... क्योंकि अब देखें रहीम रहीफिकार के अंदर जो Z की जो स्टार्टिंग पोजिशन है वो जरूरी नहीं कि अली अहमद के सेल में वही सेम हो मुख्तलिफ होगी तो जब मुख्तलिफ होगी डायनेमिक होगी तो हम क्या करेंगे हम इसमें फाइन के फंक्शन को एड करेंगे हम कहेंगे स्पेस को बेस बनाओ पहले हम फर्स्ट नेम्स में माइनस वन कर रहे थे क्योंकि हमें पीछे जाना था अब हमें लास्ट नेम्स निकालने के लिए आगे की तरफ बढ़ना है तो हम माइनस वन नहीं बल्कि यहाँ प्लस वन करेंगे क्योंकि हमें स्पेस को इग्नोर करना है स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद स्पेस को इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है और कितने कैरेक्टर्स निकालने अब देखो मैं मैनअली तो काउंट नहीं करूंगा कि जुल्फिकार में एट है अहमद में फाइव है हुसैनी में नाइन है रशीद में सेवन है तो मैंने क्या किया मैंने एक बड़ा नंबर दे दिया नाइनटी क्योंकि मुझे पता है कि नाइनटी से तो कम ही होंगे और अब देखो जैसे ही मैं इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करता हूँ तो बड़ी एक्यूरेसी के साथ मेरे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ लास्ट नेम्स एक्सट्रैक्ट होके आ जाते हैं ठीक है अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ चैट विंडो में और पेस्ट कर रहा हूँ डेफिनेटली ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आप अपने प्रीव्यू के लिए उसको देख भी लीजिएगा ठीक है ना खुर्रम का रिस्पांस मुझे मिल चुका है बिल्कुल सही है बाकी लोग भी रिस्पांस क्या करें प्रैक्टिस करके ठीक है जी तो जिन लोगों के पास सिस्टम है तो उनकी आसानी के लिए मैं चैट विंडो में इसीलिए लिख देता हूँ ताकि वो जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा मैन्यूपुलेट करके आसानी से इसको अप्लाई कर सकें ठीक है जनाब तो देखें ये होती है स्किल सेट कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें समझें और फिर जो है और अब जरूरी नहीं कि ये आ, ये वाला लॉजिक जो है वो सिर्फ फर्स्ट नेम्स और लास्ट नेम्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होगा फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मैंने अपना ई एड्रेस लिखा और आपके पास एक ई एड्रेस की लिस्ट है आप ये चाहते हो कि ऐड का साइन से पहले जो यूजर आईडी है वो एक अलग कॉलम में आ जाए और ऐड की साइन के बाद जो डोमेन है जी मेल डॉट कॉम हॉट मेल डॉट कॉम है ना याहू डॉट कॉम वो एक अलग कॉलम में आ जाए तो ये लॉजिक काम करेगा वहां पे भी लेकिन वहां डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे कॉमन की स्पेस थी वहां पे कॉमन की एट द रेट की साइन हो जाएगी एट की साइन हो जाएगी ये डिफरेंस आ जाएगा तो इस तरह के लॉजिक्स बहुत सारी मुख्तलिफ सिचुएशंस में आपको काम आ सकते हैं ठीक है जनाब तो मैं आ जाता हूँ जरा अपनी लिस्ट पे और फाइंड और सर्च अच्छा मैं फाइंड और सर्च का डिफरेंस आपको बता दूं दोनों सेम काम करते हैं Uh, लेकिन एक छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ तो फाइंड और सर्च दोनों क्लियर हो जाएंगे आपको ठीक है जस्ट गिव मी मिनट अच्छा जी तो यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा है अपना रहीम पी थ्री के अंदर ठीक है मैं फाइंड के फंक्शन को कहता हूँ एच की पोजीशन निकाल के दो सही है तो अब आपको माशाल्लाह से अब आप, आप समझ गए होंगे कि यह फंक्शन क्या करता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की वैल्यू रिटर्न करता है, है ना तो ये क्या रिटर्न करेगा थ्री रिटर्न करेगा कि भाई रहीम के वर्ड में एच जो है वो थर्ड पोजिशन पर है लेकिन मैं अगर इस तरह से लिखू फाइंड करो एच को इस वर्ड में से तो ये मुझे क्या दे रहा है एरर दे रहा है लेकिन अगर इसकी जगह मैं कहता हूं सर्च करो एच को P3 में तो ये मुझे पोजीशन बता रहा है ठीक है इसका मतलब ये होता है कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि फाइंड जो है वो केस सेंसेटिव है सर्च जो है वो नॉन केस सेंसेटिव है ठीक है ये डिफरेंस है दोनों का काम क्या है दोनों का काम है कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन बताओ लेकिन एक केस सेंसिटिव है दूसरा केस सेंसिटिव नहीं है तो ज्यादातर केसेस के अंदर हम सर्च को अप्लाई करते हैं क्योंकि हम हमें नहीं पता होता कि डेटा कैपिटल में आ रहा है स्मॉल में आ रहा है तो टाइम सेव करने के लिए हम सर्च को इस्तेमाल करते हैं ठीक है लेन का फंक्शन मैंने आपको बता दिया लेन का फंक्शन क्या करता है टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स को काउंट करता है सेल के अंदर ठीक है अब जनाब आते हैं एक और अच्छा फंक्शन है दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फंक्शन और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से भी आपको एक छोटा सा चैलेंज बना के दू फिर अगर आपको पार्टिसिपेट करना हो तो आप करें ब्रेन स्ट्रॉमिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं पहले मैं आपको इसके फंडामेंटल्स कवर करवाता हूँ सही है अच्छा जी दो और फंक्शंस हैं एक है टुडे का फंक्शन जब भी आपको करंट डेट चाहिए होती है तो आप क्या लिखते हैं एक्सेल में इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ये बहुत छोटा सा फंक्शन है सिंपल सा फंक्शन है ये आपको आज की तारीख देगा जो मतलब आपके सिस्टम पर होगी और हमें ये पता है कि आज कौन सी तारीख है फोर्थ अक्टूबर है स्लैश वाले फॉर्मेट में याद रखिएगा पहले सबसे पहले महीना होता है और बीच में दिन होता है है ना और एक और फंक्शन है हमारे पास वो है नाव ये डेट और टाइम है ना दोनों बताता है ठीक है ये डेट और टाइम दोनों बताता है इशू क्या होता है इसके साथ क्योंकि आप में से वो लोग जो इंडस्ट्री में फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं या आप में से वो लोग जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स बना के ब्रांचेस को सेंड करते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स को सेंड करते हैं तो उन्हें अपनी रिपोर्टिंग के अंदर बड़ा ख्याल रखना होता है कि जिस टाइम पीरियड की वो बात कर रहे हैं वो डायनामिक रखना है उनको या स्टैटिक रखना है है ना अब होगा क्या कि टुडे का फंक्शन आपको डेट दे देगा नाव का फंक्शन आपको डेट और टाइम दोनों दे देगा बट अगर आप इस फाइल को सेव करके कल के दिन ओपन करेंगे ना तो ये चेंज हो जाएंगे क्योंकि आपके सिस्टम की डेट और टाइम भी चेंज हो जाएगा तो जो एक्सेल के फंक्शंस आपके सिस्टम के बिहेवियर से अपने रिजल्ट्स को चेंज कर दें ऐसे फंक्शंस को कहते हैं वॉलेटाइल फंक्शंस है ना अभी आप देखें यहां 2137 लिखा हुआ था 2138 हो गया क्यों क्योंकि सिस्टम चेंज हो गया तो आपका रिजल्ट भी चेंज हो गया तो ऐसे तमाम फंक्शंस जिस सिस्टम के साथ अपने रिजल्ट्स को चेंज कर दें वो वॉलेटाइल फंक्शंस कहलाते हैं इसी तरह से एक्सेल में नॉन वॉलेटाइल फंक्शंस होते हैं नॉन वॉलेटाइल फंक्शंस का मतलब होता है कि जो सिस्टम के चेंजेस के साथ अपने रिजल्ट को चेंज नहीं करें फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दो वैल्यूज को प्लस करना है तो ये 22, 22 रहेगा अगर आप इस फाइल को कल फिर से ओपन करेंगे तो ये 22, 23 नहीं हो जाएगा तो जिससे रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा सिस्टम के बिहेवियर से वो नॉन वॉलेटाइल है जिसके सिस्टम के बिहेवियर से चेंज हो रहा वो volatile है वो वॉलेटाइल है ठीक है आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और आने वाले क्लासेज में हम देखेंगे तकरीबन आठ से दस ऐसे फंक्शन हैं जो वॉलेटाइल है और वॉलेटाइल फंक्शन को बहुत ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका आपकी स्प्रेड की जो स्पीड होती है ना वो स्लो हो जाती है तो एक वजह यह भी है कि स्प्रेडशीट क्यों स्लो हो रही है जैसे इनडायरेक्ट का फंक्शन है ऑफसेट का फंक्शन है ठीक है ना तो ये तमाम फंक्शन को कम से कम इस्तेमाल किया करें अगर आप फाइनेंशियल मॉडल्स बना रहे हैं या फिर आप एम आई एस रिपोर्ट को बना रहे हैं डिपेंड uh, करता है 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 कि आप आपकी रिक्वायरमेंट क्या सही है? तो आपको डिफरेंस पता चल गया बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलीटाइल अब प्रॉब्लम ये यह है यहां पर कि इस डेट और टाइम को मुझे चेंज नहीं करना है स्टैटिक रखना है फिक्स रखना है सो यू नीड टू अप्लाई द शॉर्टकट की ठीक है

तो कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन को प्रेस करने से आपके पास टाइम आ जाएगा ठीक है तो स्टैटिक रखने के लिए शॉर्टकट की को इस्तेमाल करें वॉलेटाइल रखने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल करें ठीक है अब आते हैं टेक्स्ट फंक्शन की तरफ ठीक है और टेक्स्ट फंक्शन के अंदर हम ये सीखेंगे कि किसी डेट में से डे uh, मंथ और ईयर को कैसे निकाला जाए ठीक है So, मैं स्टार्ट करता हूँ ब्रैकेट ओपन सेल का रेफरेंस दिया अब इस डेट में से मुझे डे का नंबर निकालना है एक्सट्रैक्ट करना है तो मैंने दो मरतबा डी लिखा है ठीक है ये क्या करेगा इस पर्टिकुलर डेट में से डे का नंबर निकाल के देगा डिजिट्स में सही है अगर मैं इस फंक्शन के अंदर एडिटिंग करता हूँ एडिटिंग करने की शॉर्टकट की है एफ टू जब आप आपने अगर किसी सेल पे फॉर्मूला या फंक्शन लगा दिया और आपको लेटर ऑन चेंज करना हो तो आप F2 प्रेस किया करें ठीक है यहाँ पर आप क्या करेंगे एक जब आप एक और मरतबा डी अप्लाई करेंगे यानी इस मरतबा आपने तीन मरतबा डी लिखा तो वो आपको उस पर्टिकुलर डे का नाम बताएगा विच इज आज क्योंकि संडे है तो उसने एस यू एन लिखा है अगर आप इसमें फोर टाइम्स डी लिखेंगे तो ये फुल फॉर्म बताएगा एस यू एन डी ए वाय ठीक है इसी तरह से अगर आपको मंथ निकालना हो तो आप दो मरतबा एम लिखें मंथ का नंबर आ जाएगा अगर आपको मंथ का नाम चाहिए तो आप तीन मरतबा एम लिखें शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा मंथ का नाम अगर आपको अगर आप फोर टाइम्स इसमें एम लिखेंगे तो मंथ का फुल फॉर्म आ जाएगा एंड सेम गोज विध दर ईयर के लिए आप क्या यूज करेंगे वाई यूज करेंगे तो जब आप दो मरतबा वाई यूज़ करेंगे तो ट्वेंटी लिखा हुआ आएगा और अगर आप फोर टाइम्स वाई यूज करेंगे तो ट्वेंटी ट्वेंटी लिखा हुआ आएगा इसका मकसद क्या हो सकता है प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि बहुत सारे मॉडल्स के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर आप अपना कस्टमाइज डेट फॉर्मेट बनाना चाहते हो तो आपके पास शॉर्ट डेट होती है आप क्या करते हो या तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके सेटिंग्स चेंज कर सकते हो वो हम आने वाली क्लासेस में हमारा टॉपिक है जिसमें हम एडवांस लेवल की चीज़ें सीखेंगे तो एक तो रास्ता हमारे पास ये कि हम कस्टम फॉर्मेटिंग की तरफ जाएं दूसरा हमारे पास रास्ता यह है कि हम टेक्स्ट के फंक्शन को इस्तेमाल करें फॉर एग्जांपल मेरी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ऊपर हेडर की तरफ है ना टॉप लेफ्ट साइड पे पहले सबसे पहले महीने का नाम मुझे चाहिए फुल फॉर्म में तो अगर मुझे महीने का नाम फुल फॉर्म में चाहिए तो मैं फोर टाइम्स एम लिखूँगा फिर मैं मुझे कॉमा चाहिए फिर स्पेस फिर मुझे दिन का नाम चाहिए हम्म ठीक है फिर मुझे महीने का नंबर चाहिए फिर मुझे ईयर का नंबर चाहिए तो जो फॉर्मेट आपको आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके के आपने अल्फाबेट्स को ऐड किया और आप देखें आपके पास जो ये शॉर्ट डेट थी वो एक लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई ठीक है कुछ इस तरह से तो इस तरह से आप शॉर्ट डेट्स को अपने हिसाब से मैन्यूपुलेट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शन ठीक है जी अब आते हैं एक और फंक्शन की तरफ अच्छा दो चीजें मैं यहाँ पे ऐड कर दू ठीक है जो मैंने सिलेबस में भी रखी हैं एक चीज तो ये कि आज की क्लास में हमने जो है ना क्योंकि ये बेसिक लेवल की क्लास है तो हमने फर्स्ट uh, नेम और लास्ट नेम रखे थे कभी कभार ऐसा भी होता है कि डेटा आपको सेम सीक्वेंस में नहीं मिलता आपके पास फर्स्ट नेम भी है मिडिल नेम भी है लास्ट नेम भी है तो कुछ नेम्स में फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम है कुछ में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है और बहुत मरतबा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग मोहम्मद अपने नाम से पहले लगाते हैं कुछ लोग सैयद अपने नाम से पहले लगाते हैं तो कुछ लोग मोहम्मद में एम डॉट लगाते हैं कुछ लोग मोहम्मद पूरा लिखते हैं तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस भी होते हैं जिसकी एग्जांपल्स मैंने रखी हैं इस कोर्स के अंदर ठीक है तो जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होगा वो सिटुएशन चैलेंजिंग सिचुएशन सब आपके सामने आएंगी और हम सॉल्व करेंगे इसको ठीक है लेकिन अगर किसी को सोल्यूशन पहले चाहिए तो वो क्लास के बाद गूगल क्लासरूम के अंदर अपनी क्यूरी को पोस्ट कर देना मैं उस पर रिस्पॉन्स कर दूंगा इसी तरह से दूसरी एक और चीज़ कुछ लोगों ने यहाँ नोट की होगी कि जब हम नाव के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो टाइम हमारे पास ट्वेंटी फोर आवर वाली क्लॉक में आ रहा है लेकिन जब हम शॉर्टकट की को इस्तेमाल करते हैं तो ट्वेल्व आवर वाली क्लॉक में आ रहा है तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टम फॉर्मेटिंग का टॉपिक हमने सिलेबस में रखा है तो जब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो एड्रेस कर लूंगा मैं वहां पर ठीक है तो टेक्स्ट के फंक्शन को मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया ठीक है अब एक छोटा सा चैलेंज मैं क्रिएट करता हूं ताकि आप लोग इसको करें लेट सपोज कि मैंने एक सेल में लिखा हंड्रेड सही है मुझे इसका आउटपुट चाहिए रुपीज हंड्रेड यानी सल्यू प्रॉब्लम को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येल्लो सेल में और ये जो सोलूशन मैंने बनाया है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन सेल में आपको सॉल्व करना है विद दी हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शन ठीक है तो जरा इस नंबर को कन्वर्ट करो रुपीज डॉट स्पेस हंड्रेड में विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शन तो मैं आपको अगेन थ्री मिनट्स दे रहा हूँ आप इसको बनाएं और सॉल्व करें एंड देन वी विल हैव सम आंसर्स, ठीक है आप लोग अपने आंसर्स चैट विंडो में लिख दीजिएगा स्क्रीन शेयर की जरूरत नहीं है ठीक है आप लोग अगर चैट विंडो में लिख सकें तो चैट विंडो में लिख दीजिएगा ठीक है ओके okay, तो मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स आ रहे हैं चैट विंडो में थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग आई वॉन्ट के पार्टिसिपेट करें अगर आपका आंसर गलत भी होगा तो आई एम हेयर टू मार्क इट राइट सो डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है आप डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व करते हैं आप वो भी सो चैट विंडो में लिख सकते हैं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स को ठीक है आज की टेक्स्ट फंक्शंस की जो सेकंड क्लास है सेकंड क्लास में जो बेसिकली है जो टॉपिक है टेक्स्ट uh, फंक्शंस का जिसमें मैंने टॉप 15 टेक्स्ट फंक्शंस को पिक किया है उसमें से हम हमने अब तक 12 कर लिए हैं uh, सिर्फ तीन रहते हैं ठीक है तो मैं इन तीन को भी डिस्कस कर लेता हूँ तो हमारे बेसिक लेवल के तमाम टेक्स्ट पंद्रह फंक्शनस कवर हो जाएंगे इन क्लास में और इसी से रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि Uh, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे सीखेंगे और अपने आप को इन्हेंस करेंगे ठीक है इस स्किल सेट के अंदर आप गलत करें कोई मसला नहीं है uh, जैसे मैंने कहा कि हम सब सीख रहे हैं तो लेकिन आपका पार्टिसिपेशन लाजमी है इन आफ्टर दिस कोर्स आप अपने आप में काफ़ी इन्हेंसमेंट जो है वो फील करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब तक आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं और सोल्यूशन से पहले मैं मज़ीद तीन फंक्शंस को कवर करना चाहता हूँ ताकि हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को अपने कोर्स आउटलाइन से मुकम्मल कर लें ठीक है तो so, हमारे पास जो लास्ट तीन फंक्शंस मौजूद हैं दैट आर सब्सटीट्यूट रिप्लेस और वैल्यू ठीक है तो मैं इसकी बेसिक एग्जाम्पल uh, आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ ठीक है लेट्स से कि आपने डेटा इंपोर्ट किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और अमूमन आप ये देखते हैं बिहेवियर कि जब भी आप देखें नंबर्स आप लिखते हैं ना एक्सेल के सेल में कोई भी नंबर हो चाहे वो में हो में हो मिलियंस में हो बिलियंस में हो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर हमेशा सेल के राइट साइड पे होगा ठीक है अब ये सारी वो छोटी छोटी बातें जो आपसे पूछी जाती हैं वीकली असाइनमेंट की शक्ल में कोइस की शक्ल में असेसमेंट की शक्ल में ठीक है तो बड़े कंसिडर करने होते हैं जब आप प्रैक्टिकली भी एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं ना क्योंकि बहुत मरतबा प्रॉब्लम ये होता है कि ई आर पी सॉफ्टवेयर खास तौर पर औरकल है बैंक्स के अंदर औरकल है ठीक है ना मैनुफेक्चरिंग साइट पर सप्लाई चेन की तरफ एस ए पी इस्तेमाल होता है तो उन सॉफ्टवेयर से जब डेटा निकालते हैं और जब एक्सेल में लेकर आते हैं तो प्रैक्टिकली बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज होते हैं डेटा सेट से रिलेटेड तो उसको समझना बड़ा लाजमी है और उसके आगे चैलेंजेस भी हमने बनाए हुए हैं नंबर्स अगर आप लिखें ना तो हमेशा राइट साइड पर होने चाहिए जब भी आप टेक्स्ट को लिखें ना तो वो हमेशा लेफ्ट साइड पर होना चाहिए अगर आप टेक्स्ट स्ट्रिंग या एल्फे न्यूमेरिक की बात करते हैं जिसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों होता है तो ओवरऑल वो टैक्स स्ट्रिंग होता है तो वो भी लेफ्ट साइड पर ही होता है ठीक है ना एल्फ़ा न्यूमेरिक होता है इसके अलावा अगर आप बुल वैल्यू लिखते हैं ना तो बोल वैल्यू सेंटर्स में होती है वैल्यू होती है ट्रू फॉल्स ट्रू की वैल्यू एक्सेल में वन होती है फॉल्स की जीरो होती है ठीक है इनको कहते हैं बुलियन वैल्यूज तो आप में से माशाला वो लोग जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आप में से काफी लोग तो वी लुकअप के अंदर जो है ना ज्यादातर फॉल्स का इस्तेमाल करते हैं या इंडेक्स और मैच का भी इस्तेमाल किया तो मैच के अंदर फॉल्स को यूज कर रहे होते हैं वैसे तो बैकेंड पे हर फंक्शन के बैक एंड पे वन जीरो वन जीरो की ही काउंटिंग हो रही होती है ठीक है ना लॉजिक uh, वही होता है उसका ठीक है बट डिफरेंट फंक्शन में उसकी यूटिलिटी डिफरेंट हो जाती है सही है तो बूल एंड वैल्यूज़ जो है वो लॉजिकल फंक्शन में भी यूज़ होता है आप में से वो लोग जो इफ़ को नेस्टेड इफ़ को पहले इस्तेमाल कर चुके हैं वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है फॉल्स होता है तो कैसे वैल्यूज़ को मैनिपुलेट और जनरेट किया जाता है ठीक है ना तो ये तो अमूमन कॉमन सी प्रॉपर्टीज़ होती है ना अब नंबर आपके पास ऐसा नंबर नहीं आ रहा हो ये रहा है कि सेल में नज़र तो नंबर आ रहा है।, है सेल में नज़र तो नंबर आ रहा है लेकिन ये नंबर है नहीं अगर ये नंबर होता तो मैं सम का फंक्शन लगाऊं इसका सम आ रहा है जीरो ठीक है इसका मतलब ये नंबर नहीं है मुझे इसकी प्रॉपर्टी को सही करना होगा इसके देखें दो तीन तरीके हैं जिसमें से एक तरीका तो मैं आज की क्लास में कवर कर देता हूँ उसके आल्टरनेटिव तरीके मैं आपको जो है वो इनशाला गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूंगा एक तरीका तो ये कि आप फंक्शन को लिखें फंक्शन का नाम है वैल्यू मुझे इस टेक्स्ट वाले नंबर को वैल्यू में कन्वर्ट करना है ठीक है तो मैंने लिखा इक्वल्स टू वैल्यू ब्रैकेट ओपन सेल का रेफरेंस ब्रैकेट क्लोज तो ये वैल्यू का फंक्शन क्या करेगा इस टेक्स्ट वाले नंबर्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा ठीक है और अब अगर मैं यहाँ पे इसका अप्लाई करता हूं तो मुझे एक आंसर मिल जाएगा बनस्बत पहले नंबर्स पे नहीं मिल रहा था ठीक है सो वैल्यू का फंक्शन आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपको टेक्स्ट वाली नंबर्स को अपनी ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट करना ठीक है दैट्स द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस फंक्शन लास्ट टू फंक्शंस हमारे पास यहाँ रह गए हैं दैट इज सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस बहुत आसान है एक ही एग्जाम्पल में इसको कवर करेंगे ठीक है जी लेट सपोज और तकरीबन मैं ये सेम एग्जाम्पल अपने वर्कशॉप्स में भी देता हूँ जब मैं बेसिक लेवल पे इसको पढ़ा रहा होता हूँ इसको ध्यान से समझिएगा अगर आपने समझ लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा ओरिजिनल जो वर्ड है वो है हेलो ठीक है और इसको ट्रांसफॉर्म करना है इसमें हर में हेलो इन टू हर ठीक है पहले करते हैं सब्सटीट्यूट से इक्वल्स टेक्स्ट सबसे पहला जो फंक्शन आर्गुमेंट है वो है टेक्स्ट यानी बताओ किस सेल को चेंज करना है हमें एच नाइन को चेंज करना है जिसमें हेलो लिखा हुआ है ठीक है अब इस हेलो के वर्ड में से कौन से कैरेक्टर्स को निकालना है तो वो हम लिखेंगे ओल्ड टेक्स्ट के फंक्शन आर्ग्यूमेंट में तो मुझे एल एल ओ निकालना है इसमें से और इसकी जगह आपको कौन सा अल्फाबेट ऐड करना है तो वो हम न्यू टेक्स्ट के आर्ग्यूमेंट में ऐड कर देंगे अभी हम ऑप्शनल जो सबसे लास्ट ऑप्शनल है उसको हम स्किप कर रहे हैं तो मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर दूं हम इस हेलो के वर्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हर में उसके लिए हमने अप्लाई किया सब्सटीट्यूट ए एच नाइन के अंदर हेलो लिखा हुआ है क्या चीज निकालनी है इसमें से वो लिखा पहले क्या चीज ऐड करनी है वो लिखा एंटर कर दिया हेलो इनटू हर हो गया ठीक है विद दी हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूट फंक्शन तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके रेफरेंस पे आपको स्क्रीन पर नजर भी आ जाए अब करते हैं रिप्लेस से इसको फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा भाई जब ये दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों का मकसद क्या है इक्वल्स टू रिप्लेस ब्रैकेट ओपन सबसे पहले दे रहा है ओल्ड टेक्स्ट ओल्ड टेक्स्ट में पहले हमने दिया सेल का रेफरेंस स्टार्ट नंबर ये कह रहा है कि कहां से चेंज स्टार्ट करूं तो मुझे क्या करना है एल एल ओ को निकालना है ठीक है अब ये हेलो वर्ड के अंदर फर्स्ट एल की जो पोजीशन है वो है 3 तो मैंने कहा थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करो टोटल तीन नंबर ऑफ करेक्टर्स को निकालो और उसकी जगह आर को ऐड कर दो तो ये भी हो गया हेलो इनटू हर ठीक है दोनों का जो आउटपुट है वो सेम है एक हमने सब्सिट्यूट से किया एक हमने रिप्लेस से किया दोनों का आउटपुट सेम है तो कौन सा करूं देखें अब ये डिपेंड करता है सिटुएशन के ऊपर अगर आपकी सिटुएशन ऐसी है जहां पर आपको टाइम सेव करना है कि आपको नहीं पता कि वो जो पर्टिकुलर वर्ड है वो लेफ्ट पे है राइट right पे है मिड में है आपको पोजीशन नहीं पता तो आप सब्सटीट्यूट को इस्तेमाल कर लें लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें एक पैटर्न है और आपको पता है कि सबकी पोजीशन और सबका स्टार्ट नंबर सेम है ठीक है ना तो फिर आप उसमें रिप्लेस को इस्तेमाल कर लें ठीक है तो अमूमन कॉमनली हम रिप्लेस को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं बहुत रेयर एग्जाम्पल्स हैं लेकिन हम सब्सटिट्यूट को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग जिनका लेवल डेफिनेटली इंटरमीडिएट टू एडवांस है तो वो कहेंगे सर हम फार्मूला अप्रोच क्यों इस्तेमाल करें हम अगर कंट्रोल एच प्रेस करें तो हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सो द आंसर इज़ यस यू कैन यूज़ इट बट प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ये जो विंडो है इसको बहुत सेफ साइड आपको इस्तेमाल करना होगा समटाइम्स जब आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका ओरिजिनल डेटा सोर्स रिटेन नहीं रहेगा तो मेक श्योर sure कि अगर आप इस बिल्ट इन यूटिलिटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले वो डेटा सेलेक्ट करें और सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करें रिप्लेस ऑल पे क्लिक ना करें ठीक है लेकिन क्योंकि मकसद यह है कि आपको फॉर्मूला के थ्रू फंक्शन के थ्रू समझाया जाए और डिफरेंस बताया जाए तो आई होप कि आपको सब्सटीट्यूट और रिप्लेस में डिफरेंस पता चल गया कि दोनों का आउटपुट सेम आ सकता है लेकिन एक में पोजीशन नहीं पता करनी होती दूसरे में पोजीशन पता करनी होती है ठीक है सो हमने आज की क्लास में सबसे पहले पिवट टेबल से स्टार्ट किया था एक छोटा सा मिनी डैशबोर्ड बनाया था जिसमें हमने रिपोर्ट कनेक्शन की टेक्निक को समझा फिर हमने आज की क्लास में थोड़ा सा आप पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपकी स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व भी किया है कि कितने लोग अटेंटिव हैं कितने लोग जो है वो इस तमाम कोर्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स के पास सेल हैं कुछ के पास लैपटॉप्स हैं और लेकिन पार्टिसिपेशन आना चाहिए ठीक है जो कि एक बहुत अच्छी बात है और फिर हमने आज की क्लास में जो है ये पंद्रह के पंद्रह टेक्स्ट के फंक्शन को सीखा है तो इन ट्यूसडे वाले दिन आपके पास एक फ़ाइल अपलोड कर दी जाएगी जिसमें आपका असाइनमेंट होगा और ये तमाम के तमाम फंक्शंस को आपको इस्तेमाल करना होगा किसी एग्जांपल के अंदर आपके पास आपको दो फंक्शंस इस्तेमाल करने होंगे एक साथ किसी में शायद वो एक से हो जाएगा सिंपल सिंपल ठीक है ना आज की क्लास में मुझे अगेन इफ़ नेस्टेड इफ़ को भी कवर करना था बट मैं एक काम ये करूँगा कि मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो दैट यू कैन रिव्यू दैट बट अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट कमिंग क्लासेस जो है वो डेफिनेटली आज भी क्लास हमने आठ बजे स्टार्ट की तो नेक्स्ट क्लास भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी एंड वी विल इंक्रीज आवर पेस ठीक है तो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी आप पूरे हफ्ते अगर प्रैक्टिस करेंगे सो यू विल स्पीड अप बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टू लर्न in this course and i hope that you will support us support the management as well and uh, i hope you will find this course very interesting so that's all from my side thank you so much if you have any questions do send to the co-host to the management tk or they will give me forward me or may response of a google classroom mein upload kar dunga. Hai. thank you so much and over to zen

तो आज के जो हमारा सेशन है उसको हम फीडबैक के साथ जो है वो रेपअप करते हैं और मैं आपके साथ जो है वो लिंक शेयर कराऊँ फीडबैक का इट वुड बी ग्रेट अगर आप हमें जो है वो अपना